हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सूर्यवंशी सूर्यवंशी फिल्म के रिगार्डिंग में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा इसके अलावा फिल्म की कहानी क्या है बजट क्या है बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से कमाल किया और फिल्म की स्टोरी है उसके ऊपर एक डीप एनालिसिस करेंगे मूवी का एक रिव्यू करके भी दिखाऊंगा और इसी के साथ फिल्म से जुड़ी जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है वो भी शेयर करूंगा और ये फिल्म ओ टी टी पे कहाँ पर फ्री में आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके बारे में भी डिटेलिंग देने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहे तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं सूर्यवंशी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो रोहित शेट्टी का था स्क्रिप्ट भी उन्होंने क्रिएट की हुई है लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो यूनुस सजवाल ने किया हुआ है फिल्म का जिस तरह से आपको जो पर्दे पे देखने को मिलती है उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग यूनुस सजवाल ने की हुई है डायलॉग्स की बात करें तो फरहाद सामजी विधि घोडानकर रोहित शेट्टी और संचित बेंद्रे इन लोगों ने मिलकर फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं जो कहानी में आपको बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं वो इन चार लोगों ने मिलकर क्रिएट किए हुए है अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की तो हीरो यश जौहर अरुणा भाटिया करण जौहर अपूर्वा मेहता रोहित शेट्टी ये सभी लोग फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने फिल्म का बजट करीबन एक करोड़ तक का रखा हुआ है यानी कि एक करोड़ की लागत में फिल्म को बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट शेट्टी पिक्चर्स धर्मा प्रोडक्शन गुड फिल्म इन प्रोडक्शन हाउस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो फिल्म की कहानी को नेरेट किया हुआ है अजय देवगन ने सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी जो मोंटी जोन की साथ ही में अब बात करें एडिटिंग की तो बंटी नागी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने फ़िल्म का रन टाइम करीबन 145 मिनट जितना रखा हुआ है तो ये फिल्म आपको करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी जहां पे काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने बेहतरीन वे में एडिटिंग में दिखाया हुआ है म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है जो फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर बीजेम बचता है वो अमर मोहिले और एस एस थमन के द्वारा सुनने को मिलेगा उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे एस एस थमन जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनके बैकग्राउंड स्कोर की काफ़ी तारीफ़ की जाती है तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी उतना बेहतर लेवल का सुनने को मिलता है जहां पे सभी कैरेक्टर के लिए जिस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किए हुए वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा था सॉन्ग्स की बात करें तोर्ज तो डीजे चितास और जेम एट इन लोगों ने मिलकर अलग अलग गानों को क्रिएट किया हुआ है कंपोजिशन और सॉन्ग को अलग अलग आर्टिस्ट ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स इन लोगों ने मिलकर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अब बात करें रिलीज की तो फिल्म को वैसे तो हिंदी के साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस में ओटीटी पे रिलीज़ किया हुआ है लेकिन थिएटर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को पाँच नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था ये फ़िल्म करीबन 18 महीने से रुकी पड़ी थी क्योंकि कोविड 19 और लॉकडाउन की वजह से थिएटर में उतना बेहतरीन वे में जो एक्सपीरियंस और साथ ही में जो थिएटर भी बंद थे और जब ओपन हुए तो फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जिस वजह से फिल्म उतनी बेहतर वे में कलेक्ट ना कर पाती कलेक्शन ना कर पाती जिस वजह वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया और फाइनली पाँच नवंबर दो हज़ार इक्कीस को फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको ये आई एम डी बी पे डिसेंट रेटिंग मिली हुई है जहाँ पे छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से जहाँ पे इकहत्तर हज़ार वोट टोटल किए गए तो ये एक ओवरऑल अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है और बॉक्स ऑफिस पर तो यह फिल्म वैसे भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है इस फिल्म ने एक करोड़ के बजट में पूरी तरह से सभी चीजों को मिलाकर एक करोड़ का बजट निकला था उसके सामने करीबन तीन करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन फिल्म ने करके दिखाया हुआ है ये फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन है जो तीन कर... तीन सौ करोड़ का आंकड़ा निकल के आया हुआ है वर्ल्ड वाइड फिल्म ने तीन सौ करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है और ये ऐसा करने वाले दो हजार इक्कीस की बड़ी फिल्मों में से एक है पुष्पा और ऐसी फिल्मों के साथ साथ इस फिल्म का भी नाम वहीं पे जुड़ जाता है जहाँ पे इस फिल्म में भी करीबन 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके दिखाया हुआ है अब लीड कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार केटरीना कैफ अजय देवगन रणवीर सिंह ये सभी लोग लीड रोल में देखने को तो मिलते हैं साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जावेद जाफरी विवान भाटिया निहारिका रायजादा जे की स्रोफ गुलशन ग्रोवर अभिमन्यु सिंह निकितन धीर सिकंदर खेर कुमुंद मिश्रा सिद्धार्थ जाधव मृणाल जैन राजेंद्रा गुप्ता आसिफ बसरा ये सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं और दूसरे आर्टिस्ट और भी कहीं देखने को मिलते हैं जहाँ पे सुरती पनवार उदय तिकेतकर अनिल चरनजीत अजीत सिंधाए आशीष वरांग उमांकट पाटिल मिनाल साहू सुकन्या डांडू राजगोपाल अय्यर अमृतपाल सिंह सोफिया खान विधान शर्मा अनुवा गुप्ता तहावीद रईक जमान कृष्णा कोतियाल और अनिल खोपकर ऐसे कई दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं तो इस तरह से फिल्म के कास्टिंग की गई है जहां पे काफ़ी सारे एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में काम किया हुआ है अब बात करें फिल्म की कहानी के ऊपर तो जिस तरह से नाइन फिल्म की ट्रेलर से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि ये कहानी पूरी तरह से सूर्यवंशी के कैरेक्टर के ऊपर फोकस है जो ए टी एस चीफ बताए गए जो एक डी सी पी है तो 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ है वो कहानी के स्टार्टिंग में अजय देवगन के द्वारा जो निरेशन मिलता है वहीं से ये सभी चीज़ें आपको पता चलती हैं 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें ए चीफ यानी कि डी सी सूर्यवंशी के माँ बाप मारे जाते हैं और उसके बाद वहीं से जावेद जाफरी का जो कैरेक्टर है वो सभी स्लीपर सेलो और सभी लोगों को पकड़ लेता है लेकिन टोटल चालीस टेररिस्ट जो इंडिया में मैच देखने आए हुए थे तो वो वहीं रुक गए दूसरे कुछ दो दो लोग थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए तो इस तरह से उस बॉम ब्लास्ट में से कहीं लोग छुट के निकल चुके हैं जहाँ पर जो बॉम ब्लास्ट हुआ था उसमें टोटल चार एक हज़ार किलोग्राम आर लाया गया था इंडिया में जिसमें से सिर्फ 400 ग्राम किलोग्राम आर ही 1993 नाइनटी ब्लास्ट में यूज हुआ था बाकी से 600 ग्राम 600 किलोग्राम कहीं पे दफन करके रखा हुआ है इंडिया में ऊपर वो कहाँ है वो सभी तक किसी को पता नहीं है तो सूर्यवंशी किस तरह से इन सभी चीज़ों का पता लगाएगा और ये सभी चीज़ें नौ साल दस साल के बाद वापस से चर्चा में आती कि मुंबई में एक और प्लम्बा ब्लास्ट होने वाला है तो इन सभी चीज़ों से सूर्यवंशी किस तरह से मुंबई को बचाता है साथ ही में कैटरीना कैप का इस फिल्म में किस तरह से क्या रोल रहने वाला है ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी क्रिएट की गई और इसके अलावा सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी किस तरह से फिल्म में एक साथ आते हैं और किस तरह से लोग किस तरह से टेरिस का सामना करेंगे उन सभी चीज़ों में काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की जो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी वैसे तो कहानी रूटीन है और प्रिडिक्टेबल है लेकिन इन सभी चीज़ों में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने एक मल्टी यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट किए पुलकॉप यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट करके दिखाई हुई है जहाँ पे सभी कैरेक्टर को मिलकर जिस तरह कहानी रची हुई है वो बढ़िया थी फिल्म की कहानी ज़रूर रूटीन थी लेकिन ये थिएटर पे एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म की तरह ही बनाई गई थी एक मास ऑडियंस को ये फिल्म ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी स्क्रीन प्ले फिल्म का डिसेंट था साथ ही में डायरेक्टर ने जिस तरह से जो एक्शन सिक्वेंस को एग्जीक्यूट किया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी सिम्बा और साथ ही में सिंगम के कैरेक्टर को जिस तरह से लाया जाता है वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था उस कैरेक्टर में जो कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो बढ़िया थी क्लाइमेक्स के समय में ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी इसके अलावा फिल्म के डायलॉग्स जो सुनने को मिलते हैं वो अच्छे थे साथ ही में फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से सभी फ्रेम रिच देखने को मिल रही थी वो सभी चीजें इशारा कर रहे थे फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई है इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है जोमन टी जॉन जिन्होंने कैमरा वर्क किया हुआ है उनका कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नजर आता है जिस तरह से डीओपी का काम उनकी तरफ से देखने को मिलता है वो अमेजिंग था फिल्म के सभी फाइट सिक्वेंस जो लोकेशन दिखाए हुए उन सभी चीजों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था सूर्यवंशी कैरेक्टर को जिस तरह से शोकेस करके पेश किया हुआ है वो बढ़िया था उन सभी चीज़ों की वजह से फिल्म का जो हर एक फ्रेम है वो काफ़ी रिच और साथ ही में काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही थी एडिटिंग की बात करें तो बंटी की ने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है जिस तरह से फिल्म को अच्छी तरह से इतनी बड़ी फिल्म, फिल्म हुई नजर आ रही थी लेकिन और और बात करें तो बैकग्राउंड तो स्कोर आपको काफी शानदार सुनने को मिलता है इसे स्थमन और अमर मोहिले ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया था अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पीछे बेबजने वाला बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफी हाईलाइट पॉइंट में से एक है इसके अलावा बाकी सभी बैकग्राउंड स्कोर को भी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था फिल्म में जो इमोशनल है एक्शन सीन सीन है है जो एंट्री उन सभी चीज़ों में जो बैकग्राउंड बचता है वो बढ़िया नजर आ रहा था जिस वजह से वो सभी चीजें फिल्म को एक बढ़िया फ्लेवर एड करती हुई नजर आती है जो मास ऑडियंस है उसको और भी बेहतरीन तरीके से फिल्म म्यूजिक की वजह से अट्रैक्ट कर रही थी इसके अलावा फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में डायरेक्ट ने एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अच्छा था जिस तरह से सेकंड हाफ में सिम्बा और साथी में सिंगम को लाया जाता है और उसके बाद में उन तीनों को मिलाकर जिस तरह से क्लाइमैक्स सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें थिएटर में और ऑडियंस जो भी फिल्म अभी देख रही होगी ओ टी टी पे उनको और बेहतरीन वे में मजा देगी इन सभी चीज़ों में आपको जरूर मज़ा आएगा फिल्म की कहानी जिस तरह से सेट की हुई थी वो सभी चीज़ें जो स्क्रिप्टिंग में नज़र आ रही थी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और वैसे भी फिल्म की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी समय पहले से स्टार्ट की हुई थी जो स्क्रिप्ट के ऊपर हमें नज़र आ रही थी अब बात करें फिल्म के जो विजुअल्स और सॉरी अब बात करें फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में तो फिल्म के जो गाने हैं वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे जहाँ पे कहीं बेहतरीन बेहतरीन सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे तो उसको टी सीरीज लेबल के नीचे तनिस बागची जॉर्ज डीजे चेतास लीजो जॉर्ज और जेम एड के द्वारा कंपोज किया गया था जहाँ पे फिल्म के जो गानों की लेंथ है वो 16 मिनट तीस सेकंड का प्रॉपर फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था जिसको 11 नंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया था और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म के गाने अवेलेबल किए गए थे जहाँ पे फिल्म आइला रे आयला का जो गाना है दो में खट्ठा मिट्टा फिल्म अक्षय कुमार के आई थी उसी गाने को रिक्रिएट भी किया हुआ है इसके अलावा दो हजार सत्रह में जो पंजाबी सॉन्ग एक आया हुआ था नाजा वाला नाजा, नाजा वाला तो उस सॉन्ग का भी सेम नाम के साथ ही रीमेक किया हुआ है और ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ था पउ धारिया ने टिप टिप बरसा पानी जो एक और अक्षय कुमार की फिल्म थी मोहरा नाम की जहाँ पे रवीना टंडन के साथ उनका वो गाना फिल्माया गया था

जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ था जे एम एट ने सिंगर थे अरिजीत सिंह और नितिन मोहन गाने की लेंथ थी चार मिनट पैंतालीस सेकंड तीसरा गाना जो नाजा वो भी पंजाबी सॉन्ग का रीमेक था और वैसे भी तनिष बागची ज़्यादातर रीमेक सॉन्ग के ही रिक्रिएसन करके दिखाने में माहिर है अदरवाइज उनका ओरिजिनल कंटेंट उतना बढ़िया वे में चलता भी नहीं है तनिष जी को एक काम करना चाहिए सभी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए वैसे भी उनकी ये फालतूगिरी की वजह से अच्छे अच्छे गाने बिगड़ रहे हैं नाजा नाजा गा गाना को कि जिस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से पेला हुआ है वो बढ़िया तरीके से हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था बागची के द्वारा उसके लिरिक्स लिखे हुए थे म्यूजिक भी बागची का ही था सिंगर थे निकिता गांधी और गाने की मिनट सेकंड अगर उस गाने को नहीं रिक्रिएट किया होता और भी बढ़िया रहता चौथा गाना टिप टिप बरसा पानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंद बख्शी और तनिष बागची ने और ये गाना भी मोहरा फिल्म का रीमेक है जो अक्षय कुमार की फिल्म थी और इसको रिक्रिएट कर और कौन सकता है वही थी टी सीरीज के साथ उन्होंने रिक्रिएशन का कोई री री में गानों बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा सिंगर है उदित नारायण और अलका और गाने की लेंथ है चार मिनट दस सेकंड पांचवा गाना सूर्यवंशी जो थीम म्यूजिक है उसका म्यूजिक दिया हुआ है लीजो जॉर्ज डीजे चेतास ने और सिंगर थे लीजो जॉर्ज और गाने की लेंथ थी एक मिनट अड़तालीस सेकंड इस तरह से टोटल पांच साउंड ट्रैक में सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट तीस सेकंड जिसमें से तीन तो रिमेक है आइला रे आइला नाजा और टिपटी आइला रे आइला दो हजार दस के खट्टा मीठा से उठाकर तनिष बागची ने रीमेक किया हुआ है नाजा को पंजाबी सॉन्ग से रीमेक किया हुआ है टिप टिप बरसा को मोहरा फिल्म से उठाकर किया हुआ है पिछले कुछ सालों में बागची ने काफी सारा गंद फैलाया हुआ है मार्केट में सभी रीमेक गानों को पेल पेल के वो डाले जा रहे हैं और सभी गानों को अच्छी तरह से बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक अभी मैंने आपको जो फिल्म की जो रिव्यू दिया था उसमें जो कहानी बताई थी उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी डिटेलिंग दी हुई थी लेकिन कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसको मैं आपको पूरी तरह से अभी समझाने वाला हूं तो ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा जहां पे कास्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार जो डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखाई देंगे जो ए टी सी चीफ नज के रो, रोल में नजर आते जहां पे उनको निकनेम सूर्या दिया हुआ है कैटरीना के कैफ जो डॉक्टर राय सूर्यवंशी यानी कि वीर की वाइफ में वाइफ के रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन जिनको डीसीपी बाजीराव सिंघम का रोल दिया हुआ है उनका एक एक्सटेंड एक केम्यो अपीरियंस देखने को मिलेगा जो सेकंड हाफ में देखने को मिलता है उन्हीं के साथ रणवीर सिंह भी इंस्पेक्टर संग्राम यानी कि सिम्बा बाले राव के रोल में दिखाई देते हैं जिनका भी एक्सटेंड केम्यो अपरियंस ही है और वो भी आपको फिल्म के सेकंड पार्ट में ही दिखाई देंगे उनके द्वारा क्रिएट की गई कॉमेडी आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है इसके बाद जावेद जापरी जो आईजी कबीर सरोफ यानी कि वीर के सीनियर ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं विवान भाटेजा जो सीनियर इंस्पेक्टर विवान सिंह के रोल में दिखाई देते हैं निहारिका रायजादा जिनको इंस्पेक्टर तारा मनचंदानी का रोल दिया गया था जेकि सरोप जो उमार हफीज यानी कि लक्सर चीफ और टेरिस्ट के रोल में दिखाई देते हैं गुलशन ग्रोवर जो यानी कि एक के रोल में दिखाई सिंह जिनको जॉन मास्टर का रोल दिया गया था, था, था कुमन मिश्रा जो बिलाल अहमद के रोल में दिखाई देंगे सिद्धार्थ जाधव जो सब इंस्पेक्टर संतोष तावड़े के रोल में दिखाई देते हैं जिन्होंने कैमियो अपीरेंस किया हुआ फिल्म में वो संग्राम भालेराव यानी कि सिम्बा का जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का उनके साथ ही वो नजर आते मृणाल जैन जिन्होंने राजा हफीज का रोल प्ले किया हुआ है राजेंद्र गुप्ता को खान का रोल दिया गया था असिफ बासरा रफीक सिद्दकी के रोल में दिखाई देते है श्रुति पनवार को मफीजा हफीज यानी कि उमर की वाइफ का रोल दिया गया था उदय का जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के रोल में दिखाई देते है अनिल चर चरण जीती जो आपको आत्माराम यानी कि बिलाल के नेबर के रोल में दिखाई देंगे अजीत सिंधाए जो मुराद अहमद का रोल प्ले कर रहे हैं आशीष वारंग जिन्होंने आशीष तांबे का रोल प्ले किया हुआ है उमा उमाकांत पाटिल जिन्होंने उमाकांत भिंडे का रोल प्ले किया हुआ है मिनल साहू जिन्होंने हफ़ीज़ यानी कि मिस हफीज़ यानी कि रियाज़ के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है साथ ही में सुकन्या धंधा झंडा जिन्होंने जाहिदा उस्मानी यानी कि उस्मानी के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है राजगोपाल अय्यर को मनीष राव का रोल मिला हुआ था अमृतपाल सिंह को अब्बास नईम खान का रोल दिया गया था सोफिया खान जिन्होंने लिली डाइज यानी कि जॉन की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है विधान शर्मा जिनको आर्य सूर्य यानी कि वीर और रिया के सन के रोल में वो दिखाई देते हैं इसके अलावा अनुवा गुप्ता जिन्होंने स्नेहा के बोस का रोल प्ले किया हुआ है और रिया के कलिक के रोल में दिखाया दिए थे और जिन्होंने स्नेहा बोस के रोल में प्ले काम किया हुआ है रिया के कलिक के रोल में वो दिखाई देते ताभिद रिग जमान जिन्होंने रिया के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है कृष्णा कोटियान जिन्होंने एटीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है अनिल खोपकर जिनको मौलाना का रोल दिया गया था तो इस तरह से फिल्म में जितने भी आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिस उनको सभी नाम के साथ जो बुलाया गया उन सभी चीज़ों की डिटेलिंग के साथ कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है वो सभी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी है उसके बाद अब प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म के डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं तो सूर्यवंशी की अनाउंसमेंट दिसंबर 2018 में जब सिम्बा फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वहीं पे कर दी गई थी और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो अक्षय कुमार में फीचरिंग के दिखाई देता है जो मार्च 2019 में अनविल किया गया था जहां पे अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अनलाइक सूर्यवंशी की कोई एग्जिस्टिंग वर्क इससे पहले कोई कहानी देखने को नहीं मिलती है जैसे कि उनके अभी पहले इस फिल्म की जो सीरीज़ है यानी कि जो कॉप यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का जहाँ पे सिंगम है वो भी रीमेक थी साउथ इंडियन तमिल फिल्म सिंगम की इसके अलावा सिम्बा जो टेम्पर की ऑफिशियल रीमेक थी तो ये फिल्म की कहानी रीमेक होने वाली है नहीं उसके ऊपर डायरेक्टर ने कहा था कि ये फिल्म की कहानी ओरिजिनल है और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो गोवा में दो में स्टार्ट की गई थी फिल्मिंग की बात करें तो फिल्म के काम की शुरुआत दो में फरवरी में मुंबई में स्टार्ट किया गया था जहाँ पर फिल्म का टीजर शूट किया गया था और फिल्म के बाकी की जो शूटिंग है वो बाद में गोवा में और वहाँ पे स्क्रिप्टिंग स्टेज के बाद कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे की गई थी फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो छः मई 2019 को मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मुंबई गोवा हैदराबाद और थाईलैंड में फिल्म की बाकी की शूटिंग को प्लान किया गया था जहाँ पे जून 2019 में फिल्म के टिप टिप बरसा पाने गाने को रिक्रिएट किया गया था जो मुंबई में शूट किया गया था जिसको कोरियोग्राफ किया था फराह खान ने और उसके बाद फिल्म को दूसरे शेड्यूल के लिए हैदराबाद में शिफ्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक महीने जितना कुछ एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया गया था और मेजोरिटी पार्ट फिल्म का वहीं पे शूट किया गया है फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल को दिसंबर 2019 में मुंबई में कंप्लीट करवा लिया था सेकंड शेड्यूल ने बैंकॉक में रखा गया था और उसके बाद फिल्म को पूरी तरह से 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में शूटिंग करके कंप्लीट करवा लिया गया था फ़िल्म की कास्टिंग किस तरह से की गई थी तो उसके ऊपर डिटेलिंग दूँ तो सिम्बा के एन क्रेडिट में जिस तरह से अक्षय कुमार को फाइनल मेन रोल में आपको दिखाया जाता है तभी पता चलता है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी में लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले जिसका नाम है सूर्यवंशी और था तभी हमें बताया जाता है कॉपी नर्स का आइडिया हमारे सामने पेश किया जाता है और बाद में एक स्टेटमेंट के दौर स्टेटमेंट के द्वारा रोहित शेट्टी ने अनाउंस किया हुआ था कि अजय देवगन और साथी में में रणवीर सिंह इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी फिल्म में आपको एक स्पेशल अपीरेंस के रोल में दिखाई देंगे तो इस तरह से फिल्म का एक कॉपी यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा जहां पे अजय देवगन बाजीराव सिंगम और सिम्बा यानी कि संग्राम भाले राव के रोल में रणवीर सिंह आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो उन दोनों को भी इस तरह से कास्ट किया गया था 2019 में कैटरीना केब को फिल्म में एज ए लीड रोल फाइनलाइज किया गया था तो इस तरह फिल्म की मेन कास्टिंग की गई थी रिलीज की बात करें तो फिल्म को पहले ईद के मौके पर 2020 में रिलीज करने वाली थी जिसको 27 मार्च 2020 में बाद में रिशेड्यूल किया गया था और उसके बाद फरवरी में फिल्म को चौबीस मार्च को रिलीज करने का डिसाइड किया गया था लेकिन उसके बाद में कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते सभी चीज़ें पोस्टपोन हो गई फिल्म के जब, फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि थिएटर लॉक हो चुके थे और उसके बाद जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट में कंफर्म कन, कन्फर्म किया कि ये फिल्म तेरह नवंबर 2020 दिवाली के मौके पर सिनेमा में आएगी लेकिन जिस तरह से थिएटर में जो गाइडलाइंस चलाई जा रही थी और पेंडेमिक का जो एरा था जिस वजह से ऑडियंस उतनी बेहतरीन वे में थिएटर की तरफ नहीं जा रही थी तो फिल्म को फिर से मेकर्स के द्वारा अनाउंस किया गया कि फिल्म को पोस्टपोन किया गया है अगली डेट जल्दी अनाउंस कर देंगे उसके बाद अक्टूबर 2020 को फिल्म को फिर से रिलीज डेट पोस्टपोन करते हुए कहा गया कि यह फिल्म आपको जनवरी 2021 और मार्च 2021 के बीच में देखने को मिलेगी लेकिन फेब्रुवरी 2021 में कुछ सोर्स से कन्फर्म हुआ कि सूर्यवंशी 2 अप्रैल 2021 को आने वाली है और उसके बाद ये रिलीज डेट भी फेल हो चुकी थी और कुछ नाइट कर्फ्यू और कुछ पार्शियल लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जो चीज़ अनाउंसमेंट की हुई थी कि थिएटर के रिगार्डिंग किस तरह से क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले तो उस वजह से फिल्म को और डिले किया गया और इसके बाद फिल्म करीबन एक साल से ऊपर डिले होती हुई हो, डिले हो, हो रही थी और उसके बाद में चौदह मार्च दो को फिल्म की रिलीज़ डेट अनाउंस की गई कि यह फिल्म अब फाइनल तीस अप्रैल दो को ही रिलीज़ होगी लेकिन अप्रैल 2021 में फिल्म की रिलीज डेट फिर से एक बार पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि को, लो, को महारे, महारे लोक कोविड केसेस की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका था और महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे सबसे ज़्यादा फिल्मों को फिल्मों के जो है हासिल होते तो उस वजह से मेन सेक्टरी बंद होने की वजह से फिल्म को फिर से रिशेड्यूल करना पड़ा और उसके बाद में फिल्म को पाँच नंबर दो को 2021 की दिवाली के मौके पर फाइनली थिएट्रिकली रिलीज कर दिया गया सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स की बात करें तो जी सिनेमा के पास इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है डिजिटल राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने और इस फिल्म को करीबन 100 करोड़ के पैसों में फिल्म को सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को बेचे गया है, जहां पे फिल्म को तीस तीन दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज करवा दिया गया है और ओ टी प्लेटफॉर्म पे भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है अगर आपको ये फिल्म ऑफिशियली देखनी हो तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे यह फिल्म आपको अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अदरवाइज जिस सिनेमा पे आने वाले कुछ समय में फिल्म प्रीमियर होने वाले तो वहां पे भी ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा ये फिल्म कहीं भी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगी बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सूर्यवंशी ने अपने पहले दिन पर करीबन छब्बीस पॉइंट उनतीस करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था दूसरे दिन तेईस पॉइंट पचासी करोड़ यानी कि तेईस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन सॉरी ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था थर्ड डे पर छब्बीस करोड़ चौरानवे लाख का टोटल ग्रोस कलेक्शन डोमेस्टिक कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस वजह से उसका जो वीकेंड टोटल होता है वो सतहत्तर करोड़ आठ लाख का क्रिएट हुआ था 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 233 करोड़ और 33 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और और सीरीज में साठ करोड़ चौरासी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड दो सौ चौरानवे करोड़ सत्रह लाख का इस फिल्म का नेट कलेक्शन आया हुआ था तो करीबन तीन सौ करोड़ के आसपास फिल्म बीस दिसंबर में ही पहुंच गई थी और क्रिटिक्स की बात करते तो इस फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा हुआ था कि ये मास ऑडियंस के लिए बनी फिल्में जो सभी तरह से इस फिल्म के यानी कि इस फ्रेंचाइज के यानी कि जो कॉप यूनिवर्स है उसके फैन है उनको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी तो अगर आपको मास फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो अगर ये फिल्म देखना चाहते हो तो फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आपको फ्री में देखने को मिलेगी अदरवाइज जी सिनेमा के पास टेलीविजन राइट्स है तो ये फिल्म अदर टेवी टी वी पे देखना चाहते हो तो जी सिनेमा के चैनल पर ही प्रीमियर होने वाली है तो वहाँ पर ये फिल्म देख सकते हो तो अगर आप मास फिल्मों के प्रति अट्रैक्टेड हो या कॉपीवर्स वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म जरूर देख सकते हो ये फिल्म आपको जरूर निराश नहीं करेगी सूर्यवंशी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है रोहित सेट्टी ने फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो रोहित सेट्टी का था स्क्रिप्ट भी उन्होंने क्रिएट की हुई है लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो यूनुस सजवाल ने किया हुआ है फिल्म का जिस तरह से आपको जो पर्दे पे देखने को मिलती है उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग यूनुस सजवाल ने की हुई है डायलॉग्स की बात करें तो फरहाद सामजी विधि घोड़ानकर रोहित शेट्टी और संजीत बेंद्रे इन लोगों ने मिलकर फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं जो कहानी में आपको बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग्स सुनने को मिल रहे हैं वो इन चार लोगों ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की तो हीरो यश जौहर अरुणा भाटिया करण जौहर अपूर्वा मेहता रोहित शेट्टी ये सभी लोग फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने फिल्म का बजट करीबन एक करोड़ तक का रखा हुआ है यानी कि एक करोड़ की लागत में फिल्म को बनाया गया है जहां पे इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट रोहित शेट्टी पिक्चर्स धर्मा प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म इन प्रोडक्शन हाउसेस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के टेक्निकल

जो फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर बीजेम बजता है वो अमर मोहिले और एस एस थमन के द्वारा सुनने को मिलेगा उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे एस एस थमन जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनके बैकग्राउंड स्कोर की काफ़ी तारीफ की जाती है तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी उतना बेहतर लेवल का सुनने को मिलता है जहाँ पे सभी कैरेक्टर के लिए जिस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किए हुए है वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था सॉन्ग्स की बात करें तो तनिक्स बातची लिजो जियज डीजे जे चितास और जेम एट इन लोगों ने मिलकर अलग अलग गानों को क्रिएट किया हुआ है कंपोजिशन और सॉन्ग को अलग अलग आर्टिस्ट ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स इन लोगों ने मिलकर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अब बात करें रिलीज की तो फिल्म को वैसे तो हिंदी के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज में ओ पे रिलीज़ किया हुआ है लेकिन थिएटर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को पाँच नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था ये फिल्म करीबन 18 महीने से रुकी पड़ी थी क्योंकि कोविड 19 और लॉकडाउन की वजह से थिएटर में उतना बेहतरीन वे में जो एक्सपीरियंस और साथ ही में जो थिएटर भी बंद थे और जब ओपन हुए तो फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जिस वजह से फिल्म उतनी बेहतर वे में कलेक्ट ना कर पाती कलेक्शन ना कर पाती जिस वजह से वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया और फाइनली पाँच नवंबर दो को फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको आई एम डी बी पे डिसेंट रेटिंग मिली हुई है जहाँ पे छः की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से जहाँ पे इकहत्तर हज़ार वोट टोटल किए गए तो ये एक ओवरऑल अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है

पुष्पा और ऐसी फिल्मों के साथ साथ इस फिल्म का भी नाम वहीं पे जुड़ जाता है जहां पे इस फिल्म में भी करीबन 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके दिखाया हुआ है अब लीड कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार कैटरीना के, कैफ अजय देवगन रणवीर सिंह ये सभी लोग लीड रोल में देखने तो मिलते हैं साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जावेद जाफरी विवान भाटिया निहारिका रायजादा जेकी श्रोप, गुलशन ग्रोवर अभिमन्यु सिंह निकितन धीर सिकंदर खेर कुमुंद मिश्रा सिद्धार्थ यादव मृणाल जैन राजेंद्र गुप्ता आसिफ बसरा ये सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं और दूसरे आर्टिस्ट और भी कहीं देखने को मिलते हैं जहाँ पे सुरती पनवार उदय तिकेतकर अनिल चे चरणजीत अजीत सिंधाए आशीष वारांग उमकट पाटिल मीनाल साहू सुकन्या डांडू राजगोपाल अय्यर, अमृतपाल सिंह सोफिया खान विधान शर्मा अनुवा गुप्ता तहविद रईक जमान कृष्णा कोतियल और अनिल खोपकर ऐसे कई दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं तो इस तरह से फिल्म के कास्टिंग की गई है जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में काम किया हुआ है अब बात करें फिल्म की कहानी के ऊपर तो जिस तरह से नाइन फिल्म की ट्रेलर से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि ये कहानी पूरी तरह से सूर्यवंशी के कैरेक्टर के ऊपर फोकस है जो ए टी एस जीफ बताए गए जो एक डी सी पी है तो 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ है वो कहानी के स्टार्टिंग में अजय देवगन के द्वारा जो नरेशन मिलता है वहीं से ये सभी चीज़ें आपको पता चलती है नाइन्टीन में मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें ए चीफ यानी कि डी सी पी सूर्यवंशी के माँ बाप मारे जाते और उसके बाद वहीं से जावेद जाफरी का जो कैरेक्टर है वो सभी स्लीपर सेलों और सभी लोगों को पकड़ लेता है लेकिन टोटल चालीस टेररिस्ट जो इंडिया में मैच देखने आए हुए थे तो वो वहीं रुक गए दूसरे कुछ तो दो लोग थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए तो इस तरह से उस बॉम ब्लास्ट में से कहीं लोग के निकल चुके हैं जहाँ पर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें टोटल चार एक हज़ार किलोग्राम आर लाया गया था इंडिया में जिसमें से सिर्फ 400 ग्राम किलोग्राम आर ही 1993 नाइनटी ब्लास्ट में यूज़ हुआ था बाकी से छः सौ ग्राम छः किलोग्राम कहीं पे दफन करके रखा हुआ है इंडिया में ऊपर वो कहाँ है वो सभी तक किसी को पता नहीं है तो सूर्यवंश किस तरह से इन सभी चीज़ों का पता लगाएगा और ये सभी चीज़ें नौ साल दस साल के बाद वापिस से चर्चा में आती कि मुंबई में एक और बम ब्लास्ट होने वाला है तो इन सभी चीज़ों से सूर्यवंश किस तरह से मुंबई को बचाता है साथ ही में कैटरीना कैफ का इस फिल्म में किस तरह से क्या रोल रहने वाला है ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी क्रिएट की गई और इसके अलावा सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी किस तरह से फिल्म में एक साथ आते हैं और किस तरह से लोग किस तरह से टेरिस का सामना करेंगे उन सभी चीज़ों में काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की जो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी वैसे तो कहानी रूटीन है और प्रिडिक्टेबल है लेकिन इन सभी चीज़ों में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने एक मल्टी यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट किए पुलकॉप यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट करके दिखाई हुई है जहाँ पे सभी कैरेक्टर को मिलकर जिस तरह से कहानी रची हुई है वो बढ़िया थी फिल्म की कहानी जरूर रूटीन थी लेकिन ये थिएटर पे एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म की तरह ही बनाई गई थी एक मास ऑडियंस को ये फिल्म ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी स्क्रीन प्ले फिल्म का डिसेंट था साथ ही में डायरेक्टर ने जिस तरह से जो एक्शन सिक्वेंस को एग्जीक्यूट किया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी सिम्बा और साथ ही में सिंगम के कैरेक्टर को जिस तरह से लाया जाता है वो काफ़ी इंप्रेसिव नजर आ रहा था उस कैरेक्टर में जो कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो बढ़िया थी क्लाइमेक्स के समय में ये सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आएगी इसके अलावा फिल्म के डायलॉग्स जो सुनने को मिलते हैं वो अच्छे थे साथ ही में फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से सभी फ्रेम रिच देखने को मिल रही थी वो सभी चीजें इशारा कर रहे थे फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई है इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है जोमन टी जॉन जिन्होंने कैमरा वर्क किया हुआ है उनका कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नजर आता है जिस तरह से डीओपी का काम उनकी तरफ से देखने को मिलता है वो अमेजिंग था फिल्म के सभी फाइट सिक्वेंस लोकेशन दिखाए हुए उन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था सूर्यवंशी कैरेक्टर को जिस तरह से शोकेस करके पेश किया हुआ है वो बढ़िया था उन सभी चीज़ों की वजह से फिल्म का जो हर एक फ्रेम है वो काफ़ी रिच और साथ ही में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी एडिटिंग की बात करें तो बन ने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है जिस तरह से फिल्म को अच्छी तरह से इतनी बड़ी फिल्म को सवा दो दिखाया तो बैकग्राउंड की की तो स्कोर आपको काफी शानदार सुनने को मिलता है इसे स्थमन और अमर मोहिले ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया था अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पीछे बेबदने वाला बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफी हाईलाइट पॉइंट में एक है इसके अलावा बाकी सभी बैकग्राउंड स्कोर को भी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था फिल्म में जो इमोशनल सी है एक्शन सीन है जो एंट्री सीन है उन सभी चीज़ों में जो बैकग्राउंड बता है वो बढ़िया नज़र आ रहा था जिस वजह से वो सभी चीज़ें फिल्म को एक बढ़िया फ्लेवर एड करती हुई नज़र आती है जो मास ऑडियंस है उसको और भी बेहतरीन तरीके से फिल्म म्यूज़िक की वजह से अट्रैक्ट कर रही थी इसके अलावा फ़िल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में डायरेक्ट ने एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अच्छा था जिस तरह से सेकंड हाफ़ में सिम्बा और साथी में सिंगम को लाया जाता है और उसके बाद में उन तीनों को मिलाकर जिस तरह से क्लाइमैक्स सेट किया हुआ है वो सभी चीजें थिएटर में और ऑडियंस जो भी फिल्म अभी देख रही होगी ओ टी टी पे उनको और बेहतरीन वे में मजा देगी इन सभी चीज़ों में आपको जरूर मजा आएगा फिल्म की कहानी जिस तरह से सेट की हुई थी वो सभी चीज़ें जो स्क्रिप्टिंग में नज़र आ रही थी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और वैसे भी फिल्म की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी समय पहले से स्टार्ट की हुई थी जो स्क्रिप्ट के ऊपर हमें नज़र आ रही थी अब बात करें फिल्म के जो विजुअल्स और सॉरी अब बात करें फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में तो फिल्म के जो गाने हैं वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे जहाँ पे कहीं बेहतरीन बेहतरीन सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे तो उसको टी सीरीज लेवल के नीचे तनिस बागची जॉर्ज डीजे चेतास लीजो जॉर्ज और जेम एड के द्वारा कंपोज किया गया था जहां पे फिल्म के जो गानों की लेंथ है वो 16 मिनट तीस सेकंड का प्रॉपर फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था जिसको 11 नंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया था और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म के गाने अवेलेबल किए गए थे जहाँ पे फिल्म आइला रे आईला का जो गाना है 2010 में खट्टा मिट्टा फिल्म अक्षय कुमार के आई थी उसी गाने को रिक्रिएट भी किया हुआ है इसके अलावा 2017 में जो पंजाबी सॉन्ग एक आया हुआ था नाजा वाला नाजा नाजा वाला तो उस सॉन्ग का भी सेम नाम के साथ ही रीमेक किया हुआ है और ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ था पउ धारिया ने टिप टिप बरसा पानी जो एक और अक्षय कुमार की फिल्म थी मोहरा नाम की जहाँ पे रवीना टंडन के साथ उनका वो गाना फिल्माया गया था उस गाने को फिर से इस फिल्म में रिक्रिएट किया गया है जहाँ पे बीजू शाह ओरिजिनल गाने को कंपोज किया गया था और वोकल्स आपको सुनने को मिले होगी ओरिजिनल सिंगर थे वो थे अलका याग्निक और उदित नारायण अब ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना ज्वाइला रईला जैसे कहा रीमेक था जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बी अहमद ने म्यूजिक दिया होता था तनिस बागची ने सिंगर थे फिल्म के दलेर मेहंदी और गाने की लेंथ थी दो मिनट छत्तीस सेकंड दूसरा गाना मेरा यारा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ था जे एम एट ने सिंगर थे अरिजीत सिंह और नितिन मोहन गाने की लेंथ थी चार मिनट पैंतालीस सेकंड तीसरा गाना जो नाजा वो भी पंजाबी सॉन्ग का रीमेक था और वैसे भी तनिष की ज्यादातर रीमेक सॉन्ग के ही रिक्रिएशन करके दिखाने में माहिर है अदरवाइज उनका ओरिजिनल कंटेंट उतना बढ़िया वे में चलता भी नहीं है तनिष बागची को

बागची ने और ये गाना भी मौरा फिल्म का रीमेक है जो अक्षय कुमार की फिल्म थी और इसको रिक्रिएट कर और कौन सकता है वही तनिष बागची टी सीरीज के साथ उन्होंने रिक्रिएशन का कोई री रिमेक बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा सिंगर है उदित नारायण और अलका याग्निक और गाने की लेंथ है चार मिनट दस सेकंड पांचवा गाना सूर्यवंशी जो थीम म्यूजिक है उसका म्यूजिक दिया हुआ है लीजो जॉर्ज डीजे चेतास चैतास ने और सिंगर थे लीजो जॉर्ज और गाने की लेंथ थी एक मिनट अड़तालीस सेकंड इस तरह से टोटल पांच साउंड ट्रैक में सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट तीस सेकंड जिसमें से तीन तो रिमेक है आइला रे आइला नाजा और टिपटी आइला रे आइला दो हजार दस के खट्टा मीठा से उठाकर तनिष बागची ने रीमेक किया हुआ है नाजा को पंजाबी सॉन्ग से रीमेक किया हुआ है टिप टिप बरसा को मोहरा फिल्म से उठाकर तनिस बागची ने रीमेक किया हुआ है पिछले कुछ सालों में तनिस बागची ने काफी सारा गंद फैलाया हुआ है मार्केट में सभी रीमेक गानों को पेल पेल के वो डाले जा रहे हैं और सभी गानों को अच्छी तरह से बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक अभी मैंने आपको जो फिल्म की का जो रिव्यू दिया था उसमें जो कहानी बताई थी उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी डिटेलिंग दी हुई थी लेकिन कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसको मैं आपको पूरी तरह से अभी समझाने वाला हूँ तो ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा जहाँ पर कास्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार जो डी वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखाई देंगे जो ए चीफ नज के रो, रोल में नजर आते जहां पे उनको निकनेम सूर्या दिया हुआ है कैटरीना के जो डॉक्टर राय सूर्यवंशी यानी कि वीर की वाइफ में वाइफ के रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन जिनको डीसीपी बाजीराव सिंघम का रोल दिया हुआ है उनका एक एक्सटेंड एक केम्यो अपरियंस देखने को मिलेगा जो सेकंड हाफ में देखने को मिलता है उन्हीं के साथ रणवीर सिंह भी इंस्पेक्टर संग्राम यानी कि सिम्बा बाले राव के रोल में दिखाई देते हैं जिनका भी एक्सटेंड केम्यो ही है और वो भी आपको फिल्म के सेकंड पार्ट में ही दिखाई देंगे उनके द्वारा क्रिएट की गई कॉमेडी आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है इसके बाद जावेद जाफरी जो आईजी कबीर श्रोफ यानी कि वीर के सीनियर ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं विवान भाटेजा जो सीनियर इंस्पेक्टर विवान सिंह के रोल में दिखाई देते हैं निहारिका रायजादा जिनको इंस्पेक्टर तारा मनचंदानी का रोल दिया गया था जे की जो उमार हफीज यानी कि लक्सर चीफ और टेरिजिस्ट के रोल में दिखाई देते हैं गुलशन ग्रोवर जो यानी कि एक टेरी रिस के रोल में दिखाई देते हैं अभिमन्यु सिंह जिनको जॉन मास्टर का रोल दिया गया था, था, था कुमन मिश्रा जो बिलाल अहमद के रोल में दिखाई देंगे सिद्धार्थ जाधव जो सब इंस्पेक्टर संतोष तावड़े के रोल में दिखाई देते हैं जिन्होंने कैमियो अपरेंस किया हुआ फिल्म में संग्राम भालेराव यानी कि सिम्बा का जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का उनके साथ ही वो नजर आते मृणाल जैन जिन्होंने राजा हफीज़ का रोल प्ले किया हुआ है राजेंद्र गुप्ता को नईम खान का रोल दिया गया था असिफ बासरा रफीक सिद्दीकी के रोल में दिखाई देते श्रुति पनवार को मफीजा हफीज़ यानी कि उमर की, की वाइफ का रोल दिया गया था उदय तिकेतकर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के रोल में दिखाई देते हैं अनिल चर चरण जीती जो आपको आत्माराम यानी कि बिलाल के नेबर के रोल में दिखाई देंगे अजीत सिंधाए जो मुराद अहमद का रोल प्ले कर रहे हैं आशीष वारंग जिन्होंने आशीष तांबे का रोल प्ले किया हुआ है उमा उमाकांत पाटिल जिन्होंने उमाकांत भिंडे का रोल प्ले किया हुआ है मिनल साहू जिन्होंने हफ़ीज़ यानी कि मिस हफीज़ यानी कि रियाज़ के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है साथ ही में सुकन्या धंधा ढंडा जिन्होंने ज़ाहिदा उस्मानी यानी कि उस्मानी के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है राजगोपाल अय्यर को मनीष राव का रोल मिला हुआ था अमृतपाल सिंह को अब्बास नईम खान का रोल दिया गया था सोफिया खान जिन्होंने लिली डाइज यानी कि जॉन की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है विधान शर्मा जिनको आर्य सूर्य यानी कि वीर और रिया के सन के रोल में वो दिखाई देते इसके अलावा अनुवा गुप्ता जिन्होंने स्नेहा के बोस का रोल प्ले किया हुआ है और रिया के कलिक के रोल में दिखाया देते थे और जिन्होंने स्नेहा बोस के रोल में प्ले काम किया हुआ है रिया के कलिक के रोल में वो दिखाई देते ताभिद रिग जमान जिन्होंने रिया के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है कृष्णा कोटियान जिन्होंने एटीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है अनिल खोपकर जिनको मौलाना का रोल दिया गया था तो इस तरह से फिल्म में जितने भी आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिस उनको सभी नाम के साथ जो बुलाया गया उन सभी चीज़ों की डिटेलिंग के साथ कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है वो सभी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी है उसके बाद अब प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म के डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं तो सूर्यवंशी की अनाउंसमेंट दिसंबर 2018 में जब सिम्बा फिल्म रिलीज़ हुई थी तो फिल्म के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वहीं पे कर दी गई थी और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो अक्षय कुमार में फीचरिंग के दिखाई देता है जो मार्च 2019 में अनविल किया गया था जहां पे अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अनलाइक सूर्यवंशी की कोई एग्जिस्टिंग वर्क इससे पहले कोई कहानी देखने को नहीं मिलती है जैसे कि उनके अभी पहले इस फिल्म की जो सीरीज़ है यानी कि जो कॉप यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का जहाँ पे सिंगम है वो भी रीमेक थी साउथ इंडियन तमिल फिल्म सिंगम की इसके अलावा सिम्बा जो टेम्पर की ऑफिशियल रीमेक थी तो ये फिल्म की कहानी रीमेक होने वाली है नहीं उसके ऊपर डायरेक्टर ने कहा था कि ये फिल्म की कहानी ओरिजिनल है और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो गोवा में दो में स्टार्ट की गई थी फिल्मिंग की बात करें तो फिल्म के काम की शुरुआत दो में फरवरी में मुंबई में स्टार्ट किया गया था जहाँ पर फिल्म का टीजर शूट किया गया था और फिल्म के बाकी की जो शूटिंग है वो बाद में गोवा में और वहाँ पे स्क्रिप्टिंग स्टेज के बाद कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे की गई थी फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो छः मई 2019 को मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मुंबई गोवा हैदराबाद और थाईलैंड में फिल्म की बाकी की शूटिंग को प्लान किया गया था जहाँ पे जून 2019 में फिल्म के टिप टिप बरसा ने गाने को रिक्रिएट किया गया था जो मुंबई में शूट किया गया था जिसको कोरियोग्राफ किया था फराक ख़ान ने और उसके बाद फिल्म को दूसरे शेड्यूल के लिए हैदराबाद में शिफ्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक महीने जितना कुछ एक्शन सीक्वेंस को फिल्म आया गया था और मेजोरिटी पार्ट फिल्म का वहीं पे शूट किया गया है फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल को दिसंबर 2019 में मुंबई में कंप्लीट करवा लिया था सेकंड शेड्यूल ने बैंकॉक में रखा गया था और उसके बाद फिल्म को पूरी तरह से 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में शूटिंग करके कंप्लीट करवा लिया गया था फ़िल्म के कास्टिंग किस तरह से की, की गई थी तो उसके ऊपर डिटेलिंग दू तो सिम्बा के क्रेडिट में जिस तरह से अक्षय कुमार को फाइनल मेन रोल में आपको दिखाया जाता है तभी पता चलता है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी में लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले जिसका नाम है सूर्यवंशी और तभी हमें बताया जाता है कॉपीनर्स का आइडिया हमारे सामने पेश किया जाता है और बाद में एक स्टेटमेंट के दोर स्टेटमेंट के द्वारा वह सेटी ने अनाउंस किया हुआ था कि अजय देवगन और साथी में अजय देवगन और साथ ही में रणवीर सिंह इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी फिल्म में आपको एक स्पेशल अपीरेंस के रोल में दिखाई देंगे तो इस तरह से फिल्म का एक कॉपी यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे अजय देवगन बाजीराव सिंगम और सिम्बा यानी कि संग्राम भाले राव के रोल में रणवीर सिंह आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो उन दोनों को भी इस तरह से कास्ट किया गया था और उसके बाद जैकलिन फर्नांडिस को इस फिल्म के अक्षय कुमार के अपोजिट लीड कास्ट के रोल में कम कं, कन्फर्म किया जाने वाला ऐसी उम्र आई हुई थी लेकिन बाद में मार्च 2019 में कैटरीना केब को फिल्म में एज ए लीड रोल फाइनलाइज किया गया था तो इस तरह फिल्म की मेन कास्टिंग की गई थी रिलीज की बात करें तो फिल्म को पहले ईद के मौके पर 2020 में रिलीज़ करने वाली थी जिसको 27 मार्च 2020 में बाद में रिश्ड्यूल किया गया था और उसके बाद फरवरी में फ़िल्म को 24 मार्च को रिलीज़ करने का डिसाइड किया गया था लेकिन उसके बाद में कोविड 19 पेंडेमिक के चलते सभी चीज़ें पोस्टपोन हो गई फिल्म के फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि थिएटर लॉक हो चुके थे और उसके बाद जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट में कन कन्फर्म किया कि ये फिल्म तेरह नवंबर 2020 दिवाली के मौके पर सिनेमा में आएगी लेकिन जिस तरह से थिएटर में जो गाइडलाइंस चलाई जा रही थी और पेंडेमिक का जो एरा था जिस वजह से ऑडियंस उतनी बेहतरीन वे में थिएटर की तरफ नहीं जा रही थी तो फिल्म को फिर से मेकर्स के द्वारा अनाउंस किया गया कि फ़िल्म को पोस्टपोन किया गया है अगली डेट जल्दी अनाउंस कर देंगे उसके बाद अक्टूबर 2020 को फिल्म को फिर से रिलीज डेट पोस्टपोन करते हुए कहा गया कि ये फिल्म आपको जनवरी 2021 और मार्च 2021 के बीच में देखने को मिलेगी लेकिन फेब्रुवरी 2021 में कुछ सोर्स इससे कन्फर्म हुआ कि सूर्यवंशी 2 अप्रैल 2021 को आने वाली है और उसके बाद ये रिलीज डेट भी फेल हो चुकी थी और कुछ नाइट कर्फ्यू और कुछ पार्शियल लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जो चीज़ अनाउंसमेंट की हुई थी कि थिएटर के रिगार्डिंग किस तरह से क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले तो उस वजह से फिल्म को और डिले किया गया और इसके बाद फिल्म करीबन एक साल से ऊपर डिले होती हुई डिले हो रही थी और उसके बाद में चौदह मार्च दो को फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई कि यह फिल्म अब फाइनल तीस अप्रैल दो को ही रिलीज होगी लेकिन अप्रैल 2021 में फिल्म की रिलीज़ डेट फिर से एक बार पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि को लोक कोविड केसेस की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका था और महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे सबसे ज़्यादा फिल्मों को फिल्मों के जो कलेक्शन हासिल होती तो उस वजह से मेन सेक्टरी बंद होने की वजह से फिल्म को फिर से रिशेड्यूल करना पड़ा और उसके बाद में फिल्म को पाँच नंबर दो हज़ार इक्कीस को दो हज़ार इक्कीस की दिवाली के मौके पर फाइनली थिएट्रिकली रिलीज कर दिया गया सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स की बात करें तो जी सिनेमा के पास इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है डिजिटल राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने और इस फिल्म को करीबन 100 करोड़ के पैसों में फिल्म को सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को बेचे गया है जहाँ पे फिल्म को तीस तीन दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ करवा दिया गया है और ओ टी प्लेटफॉर्म पे भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है अगर आपको ये फिल्म ऑफिशियली देखनी हो तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे यह फिल्म आपको अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अदरवाइज जिस सिनेमा पे आने वाले कुछ समय में फिल्म प्रीमियर होने वाले तो वहाँ पे भी ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा ये फिल्म कहीं भी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगी बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सूर्यवंशी ने अपने पहले दिन पर करीबन छब्बीस पॉइंट उनतीस करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था दूसरे दिन तेईस पॉइंट पचासी करोड़ यानी कि तेईस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन सॉरी ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था थर्ड डे पर छब्बीस करोड़ चौरानवे लाख का टोटल ग्रोस कलेक्शन डोमेस्टिक कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस वजह से उसका जो वीकेंड टोटल होता है वो सतहत्तर करोड़ आठ लाख का क्रिएट हुआ था 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 233 करोड़ और 33 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और और सीरीज में साठ करोड़ चौरासी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड दो सौ चौरानवे करोड़ सत्रह लाख का इस फिल्म का नेट कलेक्शन आया हुआ था तो करीबन तीन सौ करोड़ के आसपास फिल्म बीस दिसंबर में ही पहुंच गई थी और क्रिटिक्स की बात करते तो इस फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स ही मिला हुआ था जहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा हुआ था कि ये मास ऑडियंस के लिए बनी फिल्में जो सभी तरह से इस फिल्म के यानी कि इस फ्रेंचाइज के यानी कि जो होप यूनिवर्स है उसके फैन है उनको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्ट करेगी तो अगर आपको मास फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो अगर ये फिल्म देखना चाहते हो तो फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आपको फ्री में देखने को मिलेगी अदरवाइज जी सिनेमा के पास टेलीविजन राइट्स है तो ये फिल्म अदर टीवी टीवी पे देखना चाहते हो तो जी सिनेमा के चैनल पे ही प्रीमियर होने वाली है तो वहाँ पे ये फिल्म देख सकते हो तो अगर आप मास फिल्मों के प्रति अट्रैक्टेड हो या कॉपी यूनिवर्स वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म ज़रूर देख सकते हो ये फिल्म आपको जरूर निराश नहीं करेगी सूर्यवंशी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो रोहित शेट्टी का था स्क्रिप्ट भी उन्होंने क्रिएट की हुई है लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो यूनुस सजवाल ने किया हुआ है फिल्म का जिस तरह से आपको जो पर्दे पे देखने को मिलती है उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग यूनुस रजवाल ने की हुई है डायलॉग्स की बात करें तो फरहाद सामजी विधि घोडानकर रोहित शेट्टी और संजीत बेंद्रे इन लोगों ने मिलकर फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं जो कहानी में आपको बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं वो इन चार लोगों ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की तो हीरो यश जौहर अरुणा भाटिया करण जौहर अपूर्वा मेहता रोहित शेट्टी ये सभी लोग फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने फिल्म का बजट करीबन एक करोड़ तक का रखा हुआ है यानी कि एक करोड़ की लागत में फिल्म को बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट रोहित पिक्चर्स धर्मा प्रोडक्शंस, केप ऑफ गुड फिल्म्स, इन प्रोडक्शन हाउसेस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो फिल्म की कहानी को नेरेट किया हुआ है जय देवगन ने सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी जो मोन्टी जॉन की साथ ही में अब बात करें एडिटिंग की तो बंटी नागी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने फिल्म का रन टाइम करीबन 145 मिनट जितना रखा हुआ है तो ये फिल्म आपको करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने बेहतरीन वे में एडिटिंग में दिखाया हुआ है म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है जो फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर बीजेम बचता है वो अमर मोहिले और एस एस थमन के द्वारा सुनने को मिलेगा उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे एस एस थमन जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनके बैकग्राउंड स्कोर की काफ़ी तारीफ़ की जाती है तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी उतना बेहतर लेवल का सुनने को मिलता है जहाँ पे सभी कैरेक्टर के लिए जिस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किए हुए वो काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आ रहा था सॉन्ग्स की बात करें तो तनिक्स बाची लीजो जियॉर्ज डीजे चितास और जेम एट इन लोगों ने मिलकर अलग अलग गानों को क्रिएट किया हुआ है कंपोजिशन और सॉन्ग को अलग अलग आर्टिस्ट ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स इन लोगों ने मिलकर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अब बात करें रिलीज़ की तो फिल्म को वैसे तो हिंदी के साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस में ओटीटी पे रिलीज़ किया हुआ है लेकिन थिएटर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को पाँच नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था ये फिल्म करीबन 18 महीने से रुकी पड़ी थी क्योंकि कोविड 19 और लॉकडाउन की वजह से थिएटर में उतना बेहतरीन वे में जो एक्सपीरियंस और साथ ही में जो थिएटर भी बंद थे और जब ओपन हुए तो फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जिस वजह से फिल्म उतनी बेहतर वे में कलेक्ट ना कर पाती कलेक्शन ना कर पाती जिस वजह वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया और फाइनली पाँच नवंबर दो को फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको आई एम डी बी पे डिसेंट रेटिंग मिली हुई है जहाँ पे छः की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से जहाँ पे इकहत्तर वोट टोटल किए गए तो ये एक ओवरऑल अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है और बॉक्स

पुष्पा और ऐसी फिल्मों के साथ साथ इस फिल्म का भी नाम वहीं पे जुड़ जाता है जहाँ पे इस फिल्म में भी करीबन 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके दिखाया हुआ है अब लीड कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार कैटरीना कैफ अजय देवगन रणवीर सिंह ये सभी लोग लीड रोल में देखने को तो मिलते हैं साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जावेद जाफरी विवान भाटिया निहारिका रायजादा जेके श्रोप, गुलशन ग्रोवर अभिमन्यु सिंह निकितन धीर सिकंदर खेर कुमुंद मिश्रा सिद्धार्थ जाधव, मृणाल जैन राजेंद्र गुप्ता आसिफ बसरा ये सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं। और दूसरे आर्टिस्ट और भी कहीं देखने को मिलते हैं जहाँ पे सुरती पनवार उदय तिकेतकर अनिल जय चरणजीत अजीत सिंधाए आशीष वारांग उम्कट पाटिल मीनाल साहू सुकन्या डांडू राजगोपाल अय्यर, अमृतपाल सिंह सोफिया खान विधान शर्मा अनुवा गुप्ता तहविद रईक जमान कृष्णा कोतियल और अनिल खोपकर ऐसे कई दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं तो इस तरह से फिल्म के कास्टिंग की गई है जहाँ पर काफ़ी सारे एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में काम किया हुआ है अब बात करें फिल्म की कहानी के ऊपर तो जिस तरह से नाइन फिल्म की ट्रेलर से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि ये कहानी पूरी तरह से सूर्यवंशी की कैरेक्टर के ऊपर फोकस है जो ए टी एस बताए गए जो एक डी सी पी है तो 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ है वो कहानी के स्टार्टिंग में अजय देवगन के द्वारा जो निरेशन मिलता है वहीं से ये सभी चीज़ें आपको पता चलती है 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें ए चीफ यानी कि डीसीपी सी पी सूर्यवंशी के माँ बाप मारे जाते और उसके बाद वहीं से जावेद जाफरी का जो कैरेक्टर है वो सभी स्लीपर सेलों और सभी लोगों को पकड़ लेता है लेकिन टोटल चालीस टेररिस्ट जो इंडिया में मैच देखने आए हुए थे तो वो वहीं रुक गए दूसरे कुछ तो दो लोग थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए तो इस तरह से उस बॉम ब्लास्ट में से कहीं लोग छुट के निकल चुके हैं जहाँ पर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें टोटल चार एक हज़ार किलोग्राम आर लाया गया था इंडिया में जिसमें से सिर्फ 400 ग्राम किलोग्राम आर ही 1993 नाइनटी ब्लास्ट में यूज़ हुआ था बाकी से 600 ग्राम 600 किलोग्राम कहीं पे दफन करके रखा हुआ है इंडिया में ऊपर वो कहाँ है वो सभी तक किसी को पता नहीं है तो सूर्यवंशी किस तरह से इन सभी चीज़ों का पता लगाएगा और ये सभी चीज़ें नौ साल दस साल के बाद वापस से चर्चा में आती है कि मुंबई में एक और बम ब्लास्ट होने वाला है तो इन सभी चीज़ों से सूर्यवंशी किस तरह से मुंबई को बचाता है साथ ही में कैटरीना कैफ का इस फिल्म में किस तरह से क्या रोल रहने वाला है ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी क्रिएट की गई और इसके अलावा सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी किस तरह से फिल्म में एक साथ आते हैं और किस तरह से लोग किस तरह से टेरिस का सामना करेंगे उन सभी चीज़ों में काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की जो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी वैसे तो कहानी रूटीन है और प्रिडिक्टेबल है लेकिन इन सभी चीज़ों में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने एक मल्टी यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट की पुल पुलकॉप यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट करके दिखाई हुई है जहाँ पे सभी कैरेक्टर को मिलकर जिस तरह से कहानी रची हुई है वो बढ़िया थी फिल्म की कहानी ज़रूर रूटीन थी लेकिन ये थिएटर पर एक्सपीरियंस

इसके अलावा फिल्म के डायलॉग्स जो सुनने को मिलते हैं वो अच्छे थे साथ ही में फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से सभी फ्रेम रिच देखने को मिल रही थी वो सभी चीजें इशारा कर रहे थे फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी हाई है इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है जोमन टी जॉन जिन्होंने कैमरा वर्क किया हुआ है उनका कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नजर आता है जिस तरह से डीओपी का काम उनकी तरफ से देखने को मिलता है वो अमेजिंग था फिल्म के सभी फाइट सिक्वेंस जो लोकेशन दिखाए हुए उन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था सूर्यवंशी कैरेक्टर को जिस तरह से शोकेस करके पेश किया हुआ है वो बढ़िया था उन सभी चीज़ों की वजह से फिल्म का जो हर एक फ्रेम है वो काफ़ी रिच और साथ ही में काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही थी एडिटिंग की बात करें तो बंटी ने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है जिस तरह से फिल्म को अच्छी तरह से बैकग्राउंड तो की की तो स्कोर आपको काफी शानदार सुनने को मिलता है इसे स्थमन और अमर मोहिल्ले ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया था अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पीछे बेबदने वाला बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफी हाईलाइट पॉइंट में से एक है इसके अलावा बाकी सभी बैकग्राउंड स्कोर को भी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था फिल्म में जो इमोशनल सी है एक्शन सीन है जो एंट्री सीन है उन सभी चीज़ों में जो बैकग्राउंड बताए वो बढ़िया नजर आ रहा था जिस वजह से वो सभी चीज़ें फिल्म को एक बढ़िया फ्लेवर एड करती हुई नज़र आती है जो मास ऑडियंस है उसको और भी बेहतरीन तरीके से फिल्म म्यूज़िक की वजह से अट्रैक्ट कर रही थी इसके अलावा फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ़ में डायरेक्ट ने एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अच्छा था जिस तरह से सेकंड हाफ में सिम्बा और साथी में सिंगम को लाया जाता है और उसके बाद में उन तीनों को मिलाकर जिस तरह से क्लाइमैक्स सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें थिएटर में और ऑडियंस जो भी फिल्म अभी देख रही होगी ओ पे उनको और बेहतरीन वे में मजा देगी इन सभी चीज़ों में आपको जरूर मजा आएगा फिल्म की कहानी जिस तरह से सेट की हुई थी वो सभी चीजें जो स्क्रिप्टिंग में नज़र आ रही थी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और वैसे भी फिल्म की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी समय पहले से स्टार्ट की हुई थी जो स्क्रिप्ट के ऊपर हमें नज़र आ रही थी अब बात करें फिल्म के जो विजुअल्स और सॉरी अब बात करें फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में तो फिल्म के जो गाने हैं वो काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे जहाँ पे कहीं बेहतरीन बेहतरीन सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे तो उसको टी सीरीज लेबल के नीचे तनिस बागची जॉर्ज डीजे चेतास लीजो जॉर्ज और जेम एड के द्वारा कंपोज किया गया था जहाँ पे फिल्म के जो गानों की लेंथ है वो 16 मिनट तीस सेकंड का प्रॉपर फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था जिसको 11 नंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया था और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म के गाने अवेलेबल किए गए थे जहाँ पे फिल्म आइला रे आइलाज का जो गाना है 2010 में खट्टा मिट्टा फिल्म अक्षय कुमार के आई थी उसी गाने को रिक्रिएट भी किया हुआ है इसके अलावा 2017 में जो पंजाबी सॉन्ग एक आया हुआ था नाजा वाला नाजा नाजा वाला तो वो सॉन्ग का भी सेम नाम के साथ ही रीमेक किया हुआ है और ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ था पौध हरियाणा ने टिप टिप बरसा पानी जो एक और अक्षय कुमार की फिल्म थी मोहरा नाम की जहाँ पे रवीना टंडन के साथ उनका वो गाना फिल्माया गया था उस गाने को फिर से इस फिल्म में रिक्रिएट किया गया है जहां पे ने ओरिजिनल गाने को कंपोज किया गया था और वोकल्स आपको सुनने को मिले होगी ओरिजिनल सिंगर थे वो थे अलका याग्निक और उदित नारायण अब ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना रे आयला जैसे कहा रीमेक था जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने म्यूजिक दिया हुआ था तनिस बागची ने सिंगर थे फिल्म के दलेर मेहंदी और गाने की लेंथी थी दो मिनट छत्तीस सेकंड दूसरा गाना मेरा यारा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ था जे एट ने सिंगर थे अरिजीत सिंह और नीति मोहन गाने की लेंथ थी चार मिनट पैंतालीस सेकंड तीसरा गाना जो नाजा वो भी पंजाबी सॉन्ग का रिमेक् तनिष बागची के द्वारा उसके लिरिक्स लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनिष बागची का ही था सिंगर थे पाऊध निकिता गांधी और गाने की लेंथ थी तीन मिनट ग्यारह सेकंड अगर उस गाने को नहीं रिक्रिएट किया होता और भी बढ़िया रहता चौथा गाना टिप टिप बरसा पानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंद बख्शी और तनिष बाग ने और ये गाना भी मोहरा फिल्म का रीमेक है जो अक्षय कुमार की फिल्म थी और इसको रिक्रिएट कर और कौन सकता है वही तनिष बागची टी सीरीज के साथ उन्होंने रिक्रिएसन का कोई री रीमेक रि गानों बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा सिंगर है उदित नारायण और अलका याग्निक और गाने की लेंथ है चार मिनट दस सेकंड पांचवा गाना सूर्यवंशी जो थीम म्यूजिक है उसका म्यूजिक दिया हुआ है लीजो जॉर्ज डीजे चेतास ने और सिंगर थे लीजो जॉर्ज और गाने की लेंथ थी एक मिनट अड़तालीस सेकंड इस तरह से टोटल पांच साउंड ट्रैक में सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट तीस सेकंड जिसमें से तीन तो रिमेक है आइला रे आइला नाजा और टिपटी आइला रे आइला दो के खट्टा मीठा से उठा उठाकर तनिष बाग्ची ने रीमेक किया हुआ है नाजा को पंजाबी सॉन्ग से रीमेक किया हुआ है टिप टिप बरसा को मोहरा फिल्म से उठा कर ने रीमेक किया हुआ है पिछले कुछ सालों में ने काफी सारा गंद फैलाया हुआ है मार्केट में सभी रीमेक गानों को पेल पेल के वो डाले जा रहे हैं और सभी गानों को अच्छी तरह से बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक अभी मैंने आपको जो फिल्म की रिव्यू दिया था उसमें जो कहानी बताई थी उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी डिटेलिंग दी हुई थी लेकिन कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसको मैं आपको पूरी तरह से अभी समझाने वाला हूं तो ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा जहां पे कास्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार जो डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखाई देंगे जो ए टीसी चीफ नज के रो, रोल में नजर आते जहां पे उनको निकनेम सूर्या दिया हुआ है कैटरीना के कैफ जो डॉक्टर राय सूर्यवंशी यानी कि वीर की वाइफ में वाइफ के रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन जिनको डीसीपी बाजीराव सिंघम का रोल दिया हुआ है उनका एक एक्सटेंड एक के अपीयरेंस देखने को मिलेगा जो सेकंड हाफ में देखने को मिलता है उन्हीं के साथ रणवीर सिंह भी इंस्पेक्टर संग्राम यानी कि सिम्बा बाले राव के रोल में दिखाई देते हैं जिनका भी एक्सटेंड के अपीयरेंस ही है और वो भी आपको फिल्म के सेकंड पार्ट में ही दिखाई देंगे उनके द्वारा क्रिय की गई कॉमेडी आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है इसके बाद जावेद जाफरी जो आईजी कबीर श्रोफ यानी कि वीर के सीनियर ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं विवान भाटेजा जो सीनियर इंस्पेक्टर विवान सिंह के रोल में दिखाई देते हैं निहारिका रायजादा जिनको इंस्पेक्टर तारा मनचंदानी का रोल दिया गया था जे की जो उमार हफीज यानी कि लक्सर चीफ और टेरिस के रोल में दिखाई देते हैं कुल्सन ग्रोवर जो कदार उस्मानी यानी कि एक के रोल में दिखाई देती है अभिमन्यु सिंह जिनको रियाज हफीज का रोल दिया गया था को मुक्तान अंसारी का रोल दिया गया था सिकंदर खेर को जॉन मास्टर का रोल दिया गया था कुमन मिश्रा जो बिलाल अहमद के रोल में दिखाई देंगे सिद्धार्थ जाधव जो सब इंस्पेक्टर संतोष तावड़े के रोल में दिखाई देते हैं जिन्होंने कैमियो अपीरेंस किया हुआ है फिल्म में वो संग्राम भालेराव यानी कि सिम्बा का जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का उनके साथ ही वो नजर आते मृणाल जैन जिन्होंने राजा हफीज का रोल प्ले किया हुआ है राजेंद्र गुप्ता को नईम खान का रोल दिया गया था असिफ बासरा रफीक सिद्दकी के रोल में दिखाई देते श्रुति पनवार को मफीजा हफीज यानी कि उमर की, की वाइफ का रोल दिया गया था उदय तिकेतकर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के रोल में दिखाई देते अनिल चर चरण जो आपको आत्माराम यानी कि बिलाल के नेबर के रोल में दिखाई देंगे अजीत सिंधाए जो मुराद अहमद का रोल प्ले कर रहे हैं आशीष वारंग जिन्होंने आशीष तांबे का रोल प्ले किया हुआ है उमा उमाकांत पाटिल जिन्होंने उमाकांत भिंडे का रोल प्ले किया हुआ है मिनल साहू जिन्होंने हफ़ीज़ यानी कि मिस हफीज़ यानी कि रियाज़ के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है साथ ही में सुकन्या धंधा झंडा जिन्होंने ज़ाहिदा उस्मानी यानी कि उस्मानी के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है राजगोपाल अय्यर को मनीष राव का रोल मिला हुआ था अमृतपाल सिंह को अब्बास नईम खान का रोल दिया गया था सोफिया खान जिन्होंने लिली डाइज यानी कि जॉन की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है विधान शर्मा जिनको आर्य सूर्य यानी कि वीर और रिया के सन के रोल में वो दिखाई देते इसके अलावा अनुवा गुप्ता जिन्होंने स्नेहा के बोस का रोल प्ले किया हुआ है और रिया के कलिक के रोल में दिखाया देते थे और जिन्होंने स्नेहा बोस के रोल में प्ले काम किया हुआ है रिया के कलग के रोल में वो दिखाई देते ताविद रिग जमान जिन्होंने रिया के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है कृष्णा कोटियान जिन्होंने एटीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है अनिल खोपकर जिनको मौलाना का रोल दिया गया था तो इस तरह से फिल्म में जितने भी आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिस उनको सभी नाम के साथ जो बुलाया गया उन सभी चीज़ों की डिटेलिंग के साथ कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है वो सभी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी है उसके बाद अब प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फिल्म के डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं तो सूर्यवंशी की अनाउंसमेंट दिसंबर 2018 में जब सिम्बा फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वहीं पे कर दी गई थी और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो अक्षय कुमार में फीचरिंग के दिखाई देता है जो मार्च 2019 में अनविल किया गया था जहां पे अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अनलाइक सूर्यवंशी की कोई एग्जिस्टिंग वर्क इससे पहले कोई कहानी देखने को नहीं मिलती है जैसे कि उनके अभी पहले इस फिल्म की जो सीरीज़ है यानी कि जो कॉप यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का जहाँ पे सिंगम है वो भी रीमेक थी साउथ इंडियन तमिल फिल्म सिंगम की इसके अलावा सिम्बा जो टेम्पर की ऑफिशियल रीमेक थी तो ये फिल्म की कहानी रीमेक होने वाली है नहीं उसके ऊपर डायरेक्टर ने कहा था कि ये फिल्म की कहानी ओरिजिनल है और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो गोवा में दो में स्टार्ट की गई थी फिल्मिंग की बात करें तो फिल्म के काम की शुरुआत दो में फरवरी में मुंबई में स्टार्ट किया गया था जहाँ पर फिल्म का टीज़र शूट किया गया था और फिल्म के बाकी की जो शूटिंग है वो बाद में गोवा में और वहाँ पे स्क्रिप्टिंग स्टेज के बाद कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे की गई थी फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 6 मई 2019 को मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मुंबई गोवा हैदराबाद और थाईलैंड में फिल्म की बाकी की शूटिंग को प्लान किया गया था जहाँ पे जून 2019 में फिल्म के टिप टिप बरसा पाने गाने को रिक्रिएट किया गया था जो मुंबई में शूट किया गया था जिसको कोरियोग्राफ किया था फराह खान ने और उसके बाद फिल्म को दूसरे शेड्यूल के लिए हैदराबाद में शिफ्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक महीने जितना कुछ एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया गया था और मेजोरिटी पार्ट फिल्म का वहीं पे शूट किया गया है फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल को दिसंबर 2019 में मुंबई में कंप्लीट करवा लिया था सेकंड शेड्यूल ने बैंकॉक में रखा गया था और उसके बाद फिल्म को पूरी तरह से 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में शूटिंग करके कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के कास्टिंग की कास्टिंग किस तरह से की गई थी तो उसके ऊपर डिटेलिंग दूँ तो सिम्बा के एन क्रेडिट में जिस तरह से अक्षय कुमार को फाइनल मेन रोल में आपको दिखाया जाता है तभी पता चलता है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी में लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले जिसका नाम है सूर्यवंशी और तभी हमें बताया जाता है कॉपीनर्स का आइडिया हमारे सामने पेश किया जाता है और बाद में एक स्टेटमेंट के दौर स्टेटमेंट के द्वारा रोहित शेट्टी ने अनाउंस किया हुआ था कि अजय देवगन और साथी में अजय देवगन और साथ ही में रणवीर सिंह इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी फिल्म में आपको एक स्पेशल अपीरेंस के रोल में दिखाई देंगे तो इस तरह से फिल्म का एक कॉपी यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे अजय देवगन बाजीराव सिंगम और सिम्बा यानी कि संग्राम भालेराव राव के रोल में रणवीर सिंह आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो उन दोनों को भी इस तरह से कास्ट किया गया था और उसके बाद जैकलिन फर्नांडिस को इस फिल्म के अक्षय कुमार के अपोजिट लीड कास्ट के रोल में कम कन्फर्म किया जाने वाला ऐसी उम्र आई हुई थी लेकिन बाद में मार्च 2019 में कैटरीना कैप को फिल्म में एज ए लीड रोल फाइनलाइज किया गया था तो इस तरह फिल्म की मेन कास्टिंग की गई थी रिलीज की बात करें तो फिल्म को पहले ईद के मौके पर 2020 में रिलीज करने वाली थी जिसको 27 मार्च 2020 में बाद में रिशेड्यूल किया गया था और उसके बाद फरवरी में फिल्म को चौबीस मार्च को रिलीज करने का डिसाइड किया गया था लेकिन उसके बाद में कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई फिल्म के जब, फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि थिएटर लॉक हो चुके थे और उसके बाद जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट में कंफर्म कन्फर्म किया कि ये फिल्म तेरह नवंबर 2020 दिवाली के मौके पर सिनेमा में आएगी लेकिन जिस तरह से थिएटर में जो गाइडलाइंस चलाई जा रही थी और पेंडेमिक का जो एरा था जिस वजह से ऑडियंस उतनी बेहतरीन वे में थिएटर की तरफ नहीं जा रही थी तो फिल्म को फिर से मेकर्स के द्वारा अनाउंस किया गया कि फिल्म को पोस्टपोन किया गया है अगली डेट जल्दी अनाउंस कर देंगे उसके बाद अक्टूबर 2020 को फिल्म को फिर से रिलीज डेट पोस्टपोन करते हुए कहा गया कि यह फिल्म आपको जनवरी 2021 और मार्च 2021 के बीच में देखने को मिलेगी लेकिन फेब्रुवरी 2021 में कुछ सोर्स से कन्फर्म हुआ कि सूर्यवंशी 2 अप्रैल 2021 को आने वाली है और अब उसके बाद ये रिलीज डेट भी फेल हो चुकी थी और कुछ नाइट कर्फ्यू और कुछ पार्शियल लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जो चीज़ अनाउंसमेंट की हुई थी कि थिएटर के रिगार्डिंग किस तरह से क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले तो उस वजह से फिल्म को और डिले किया गया और इसके बाद फिल्म करीबन एक साल से ऊपर डिले होती हुई डिले हो रही थी और उसके बाद में चौदह मार्च दो हज़ार इक्कीस को फिल्म की रिलीज़ डेट अनाउंस की गई कि यह फिल्म अब फाइनल तीस अप्रैल दो हज़ार इक्कीस को ही रिलीज़ होगी लेकिन अप्रैल दो हज़ार इक्कीस में फिल्म की रिलीज डेट फिर से एक बार पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि को, लो को लोक कोविड केसेस की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका था और महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिल्मों को फिल्मों के जो है हासिल होते तो उस वजह से मेन सेक्टरी बंद होने की वजह से फिल्म को फिर से रिशेड्यूल करना पड़ा और उसके बाद में फिल्म को पाँच नंबर दो हज़ार इक्कीस को दो हज़ार इक्कीस की दिवाली के मौके पर फाइनली थिएट्रिकली रिलीज़ कर दिया गया सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स की बात करें तो जी सिनेमा के पास इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है डिजिटल राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने और इस फिल्म को करीबन 100 करोड़ के पैसों में फिल्म को सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को बेचे गया है जहां पे फिल्म को तीस तीन दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ करवा दिया गया है और ओ टी प्लेटफॉर्म पे भी फ़िल्म को अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है अगर आपको ये फिल्म ऑफिशियली देखनी हो तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे यह फिल्म आपको अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अदरवाइज जिस सिनेमा पे आने वाले कुछ समय में फिल्म प्रीमियर होने वाले तो वहाँ पे भी ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा ये फिल्म कहीं भी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगी बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सूर्यवंशी ने अपने पहले दिन पर करीबन छब्बीस पॉइंट उनतीस करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था दूसरे दिन तेईस पॉइंट पचासी करोड़ यानी कि तेईस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन सॉरी ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था थर्ड डे पर छब्बीस करोड़ चौरानबे लाख का टोटल ग्रोस कलेक्शन डोमेस्टिक कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस वजह से उसका जो वीकेंड टोटल होता है वो सतहत्तर करोड़ आठ लाख का क्रिएट हुआ था 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 233 करोड़ और 33 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और और सीरीज में साठ करोड़ चौरासी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्डवाइड दो सौ चौरानवे करोड़ सत्रह लाख का इस फिल्म का नेट कलेक्शन आया हुआ था तो करीबन तीन सौ करोड़ के आसपास फिल्म बीस दिसंबर में ही पहुंच गई थी और क्रिटिक्स की बात करते तो इस फिल्म को काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा हुआ था कि ये मास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है जो सभी तरह से इस फिल्म के यानी कि इस फ्रेंचाइज के यानी कि जो कॉप यूनिवर्स है उसके फैन हैं उनको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी तो अगर आपको मास फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो अगर ये फिल्म देखना चाहते हो तो फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आपको फ्री में देखने को मिलेगी अदरवाइज जी सिनेमा के पास टेलीविजन राइट्स है तो ये फिल्म अदर टेवी टी वी देखना चाहते हो तो जी सिनेमा के चैनल पर ही प्रीमियर होने वाली है तो वहाँ पर ये फिल्म देख सकते हो तो अगर आप मास फिल्मों के प्रति अट्रैक्टेड हो या कॉपी यूनिवर्स वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म जरूर देख सकते हो ये फिल्म आपको जरूर निराश नहीं करेगी सूर्यवंशी जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो रोहित शेट्टी का था स्क्रिप्ट भी उन्होंने क्रिएट की हुई है लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो यूनुस सजवाल ने किया हुआ है फिल्म का जिस तरह से आपको जो पर्दे पे देखने को मिलती है उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग यूनुस रजवाल ने की हुई है डायलॉग्स की बात करें तो फरहाद सामजी विधि घोडानकर रोहित सेट्टी और संजीत बेंद्रे इन लोगों ने मिलकर फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं जो कहानी में आपको बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं वो इन चार लोगों ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की तो हीरो यश जौहर अरुणा भाटिया करण जौहर अपूर्वा मेहता रोहित शेट्टी ये सभी लोग फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने फिल्म का बजट करीबन एक करोड़ तक का रखा हुआ है यानी कि एक करोड़ की लागत में फिल्म को बनाया गया है जहां पे इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट रोहित शेट्टी पिक्चर्स धर्मा प्रोडक्शंस केप ऑफ गुड फिल्म इन प्रोडक्शन हाउसेस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो फिल्म की कहानी को नेरेट किया हुआ है अजय देवगन ने सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी जो टी जोन की साथ ही में अब बात करें एडिटिंग की तो बंटी नागी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने फिल्म का रन टाइम करीबन 145 मिनट जितना रखा हुआ है तो ये फिल्म आपको करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने बेहतरीन वे में एडिटिंग में दिखाया हुआ है म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है जो फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर बीजेम बचता है वो अमर मोहिले और एस एस थमन के द्वारा सुनने को मिलेगा उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे एस एस थमन जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनके बैकग्राउंड स्कोर की काफ़ी तारीफ की जाती है तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी उतना बेहतर लेवल का सुनने को मिलता है जहाँ पे सभी कैरेक्टर के लिए जिस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किए हुए वो काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आ रहा था सॉन्ग्स की बात करें तो तनिक्स बाची लीजो जियॉर्ज डीजे जे चितास और जेम एट इन लोगों ने मिलकर अलग अलग गानों को क्रिएट किया हुआ है कंपोजिशन और सॉन्ग को अलग अलग आर्टिस्ट ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स इन लोगों ने मिलकर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अब बात करें रिलीज़ की तो फिल्म को वैसे तो हिंदी के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज में ओ टी पे रिलीज़ किया हुआ है लेकिन थिएटर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को 5 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था ये फिल्म करीबन 18 महीने से रुकी पड़ी थी क्योंकि कोविड 19 और लॉकडाउन की वजह से थिएटर में उतना बेहतरीन वे में जो एक्सपीरियंस और साथ ही में जो थिएटर भी बंद थे और जब ओपन हुए तो फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जिस वजह से फिल्म उतनी बेहतर वे में कलेक्ट ना कर पाती कलेक्शन ना कर पाती जिस वजह से वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया और फाइनली पाँच नवंबर दो को फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको आई एम डी बी पे डिसेंट रेटिंग मिली हुई है जहाँ पे छः की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से जहाँ पे इकहत्तर वोट टोटल किए गए तो ये एक ओवरऑल अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है और बॉक्स ऑफिस पर तो यह फिल्म वैसे भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है इस फिल्म ने एक करोड़ के बजट में पूरी तरह से सभी चीजों को मिलाकर एक करोड़ का बजट निकला था उसके सामने करीबन तीन करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन फिल्म ने करके दिखाया हुआ है फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन है जो तीन सौ कर... करोड़ का आंकड़ा निकल के आया हुआ है वर्ल्ड वाइड फिल्म ने तीन करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है और ये ऐसा करने वाले दो की बड़ी फिल्मों में से एक है पुष्पा और ऐसी फिल्मों के साथ साथ इस फिल्म का भी नाम वहीं पे जुड़ जाता है जहाँ पे इस फिल्म में भी करीबन 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके दिखाया हुआ है अब लीड कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार कैटरीना के कैफ अजय देवगन रणवीर सिंह ये सभी लोग लीड रोल में देखने को तो मिलते हैं साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जावेद जाफरी विवान भाटिया निहारिका रायजादा जे के गुलशन ग्रोवर अभिमन्यु सिंह निकितन धीर सिकंदर खेर कुमुंद मिश्रा सिद्धार्थ जाधव मृणाल जैन राजेंद्र गुप्ता आसिफ बसरा ये सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं और दूसरे आर्टिस्ट और भी कहीं देखने को मिलते हैं जहाँ पे सुरती पनवार उदय तिकेतकर अनिल जय, चरणजीत, अजीत सिंधाए आशीष वारांग उमंकट पाटिल मीनाल साहू सुकन्या डांडू राजगोपाल अय्यर अमृतपाल सिंह सोफिया खान विधान शर्मा अनुवा गुप्ता तहविद रईक जमान कृष्णा कोतियल और अनिल खोपकर ऐसे कई दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से फिल्म के कास्टिंग की गई है जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में काम किया हुआ है अब बात करें फिल्म की कहानी के ऊपर तो जिस तरह से नाइन फिल्म की ट्रेलर से आपको अंदाजा लगा होगा कि ये कहानी पूरी तरह से सूर्यवंशी के कैरेक्टर के ऊपर फोकस है जो एटीएस चीफ बताए गए जो एक डीसीपी है तो 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ है वो कहानी के स्टार्टिंग में अजय देवगन के द्वारा जो निरेशन मिलता है वहीं से ये सभी चीज़ें आपको पता चलती हैं 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें ए चीफ यानी कि डी सी पी सूर्यवंशी के माँ बाप मारे जाते और उसके बाद वहीं से जावेद जाफरी का जो कैरेक्टर है वो सभी स्लीपर सेलों और सभी लोगों को पकड़ लेता है लेकिन टोटल चालीस टेररिस्ट जो इंडिया में मैच देखने आए हुए थे तो वो वहीं रुक गए दूसरे कुछ तो दो लोग थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए तो इस तरह से उस बम ब्लास्ट में से कहीं लोग छुट के निकल चुके हैं जहाँ पर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें टोटल चार एक हज़ार किलोग्राम आर लाया गया था इंडिया में जिसमें से सिर्फ 400 ग्राम किलोग्राम आर ही 1993 बम ब्लास्ट में यूज़ हुआ था बाकी से 600 ग्राम 600 किलोग्राम कहीं पे दफन करके रखा हुआ है इंडिया में पर वो कहाँ है वो सभी तक किसी को पता नहीं है तो सूर्यवंश किस तरह से इन सभी चीज़ों का पता लगाएगा और ये सभी चीज़ें नौ साल दस साल के बाद वापिस से चर्चा में आती कि मुंबई में एक और प्लम्बा ब्लास्ट होने वाला है तो इन सभी चीज़ों से सूर्यवंश किस तरह से मुंबई को बचाता है साथ ही में कैटरीना कैफ का इस फिल्म में किस तरह से क्या रोल रहने वाला है ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी क्रिएट की गई और इसके अलावा सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी किस तरह से फिल्म में एक साथ आते हैं और किस तरह से लोग किस तरह से टेररिस्ट का सामना करेंगे उन सभी चीज़ों में काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा अब बात करते फिल्म की कहानी की जो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी वैसे तो कहानी रूटीन है और प्रिडिक्टेबल है लेकिन इन सभी चीज़ों में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने एक मल्टी यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट की पुलकॉप यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट करके दिखाई हुई है जहाँ पे सभी कैरेक्टर को मिलकर जिस तरह से कहानी रची हुई है वो बढ़िया थी फिल्म की कहानी ज़रूर रूटीन थी लेकिन ये थिएटर पे एक्सपीरियंस करने

इसके अलावा फिल्म के डायलॉग्स जो सुनने को मिलते हैं वो अच्छे थे साथ ही में फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से सभी फ्रेम रिच देखने को मिल रही थी वो सभी चीजें इशारा कर रहे थे फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई है इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है जोमन टी जॉन जिन्होंने कैमरा वर्क किया हुआ है उनका कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नजर आता है जिस तरह से डीओपी का काम उनकी तरफ से देखने को मिलता है वो अमेजिंग था फिल्म के सभी फाइट सिक्वेंस लोकेशन दिखाए हुए उन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था सूर्यवंशी कैरेक्टर को जिस तरह से शोकेस करके पेश किया हुआ है वो बढ़िया था उन सभी चीज़ों की वजह से फिल्म का जो हर एक फ्रेम है वो काफ़ी रिच और साथ ही में काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही थी एडिटिंग की बात करें तो बंटी ने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है जिस तरह से फिल्म को अच्छी तरह से इतनी बड़ी फिल्म को दो तो बैकग्राउंड की की तो स्कोर आपको काफी शानदार सुनने को मिलता है इसे स्थमन और अमर मोहिले ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया था अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पीछे बेबदने वाला बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफी हाईलाइट पॉइंट बाकी सभी बैकग्राउंड स्कोर को भी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था फिल्म में जो इमोशनल सी है एक्शन सीन है जो एंट्री सीन है उन सभी चीज़ों में जो बैकग्राउंड बचा है वो बढ़िया नज़र आ रहा था जिस वजह से वो सभी चीज़ें फिल्म को एक बढ़िया फ्लेवर एड करती हुई नज़र आती है जो मास ऑडियंस है उसको और भी बेहतरीन तरीके से फिल्म म्यूज़िक की वजह से अट्रैक्ट कर रही थी इसके अलावा फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में डायरेक्ट ने एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अच्छा था जिस तरह से सेकंड हाफ़ में सिम्बा और साथी में सिंगम को लाया जाता है और उसके बाद में उन तीनों को मिलाकर जिस तरह से क्लाइमैक्स सेट किया हुआ है वो सभी चीजें थिएटर में और ऑडियंस जो भी फिल्म अभी देख रही होगी ओ टी टी पे उनको और बेहतरीन वे में मजा देगी इन सभी चीज़ों में आपको जरूर मजा आएगा फिल्म की कहानी जिस तरह से सेट की हुई थी वो सभी चीज़ें जो स्क्रिप्टिंग में नजर आ रही थी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और वैसे भी फिल्म की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी समय पहले से स्टार्ट की हुई थी जो स्क्रिप्ट के ऊपर हमें नज़र आ रही थी अब बात करें फिल्म के जो विजुअल्स और सॉरी अब बात करें फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में तो फिल्म के जो गाने हैं वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे जहाँ पे कहीं बेहतरीन बेहतरीन सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे तो उसको टी सीरीज लेबल के नीचे तनिस बागची जॉर्ज डीजे चेतास लीजो जॉर्ज और जेम एड के द्वारा कंपोज किया गया था जहाँ पे फिल्म के जो गानों की लेंथ है वो 16 मिनट तीस सेकंड का प्रॉपर फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था जिसको 11 नंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया था और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म के गाने अवेलेबल किए गए थे जहाँ पे फिल्म में आईला रे आईला का जो गाना है 2010 में खट्ठा मिठ्ठा फिल्म अक्षय कुमार के आई थी उसी गाने को रिक्रिएट भी किया हुआ है इसके अलावा 2017 में जो पंजाबी सॉन्ग एक आया हुआ था नाजा वाला नाजा नाजा वाला तो उस सॉन्ग का भी सेम नाम के साथ ही रीमेक किया हुआ है और ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ था पउ धारिया ने टिप टिप बरसा पानी जो एक और अक्षय कुमार की फिल्म थी मोहरा नाम की जहाँ पे रवीना टंडन के साथ उनका वो गाना फिल्माया गया था उस गाने को फिर से इस फिल्म में रिक्रिएट किया गया है जहाँ पे बीजू शाह ने ओरिजिनल गाने को कंपोज किया गया था और वोकल्स आपको सुनने को मिले होगी ओरिजिनल सिंगर थे वो थे अलका याग्निक और उदित नारायण अब ट्रैक लिस्टिंग बात करें तो पहला गाना ज्वाइला रियाला जैसे कहा रीमेक था जिसके लिरिक्स लिखे हुए सब्बीर अहमद ने म्यूजिक दिया होता तनिस बागची ने सिंगर थे फिल्म के दलेर मेहंदी और गाने की दो मिनट छत्तीस सेकंड दूसरा गाना मेरा यारा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ था जे एम एट ने सिंगर थे अरिजीत सिंह और नितिन मोहन गाने की लेंथ थी चार मिनट पैंतालीस सेकंड तीसरा गाना जो ना जा वो भी पंजाबी सॉन्ग का रीमेक था वैसे भी तनिष बागची ज्यादातर रीमेक सॉन्ग के ही रिक्रिएशन करके दिखाने में माहिर है अदरवाइज उनका ओरिजिनल कंटेंट उतना बढ़िया वे में चलता भी नहीं है तनिष बागची को एक काम करना चाहिए सभी चीजें बंद कर देनी चाहिए वैसे भी उनके फालतूगिरी की वजह से अच्छे अच्छे गाने बिगड़ रहे है नाजा नाजा गा जिस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से पेला हुआ है वो बढ़िया तरीके से हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था बागची के द्वारा उसके लिरिक्स लिखे हुए थे म्यूजिक भी बागची का ही था सिंगर थे निकिता गांधी और गाने की मिनट सेकंड अगर उस गाने को नहीं रिक्रिएट किया होता और भी बढ़िया रहता चौथा गाना टिप टिप बरसा पानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंद बख्शी और तनिष बागची ने और ये गाना भी मोरा फिल्म का रीमेक है जो अक्षय कुमार की फिल्म थी और इसको रिक्रिएट कर और कौन सक है वही टी सीरीज के साथ उन्होंने रिक्रिएशन का कोई री री में गानों बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा सिंगर है उदित नारायण और अलका और गाने की लेंथ है चार मिनट दस सेकंड पांचवा गाना सूर्यवंशी जो थीम म्यूजिक है उसका म्यूजिक दिया हुआ है लीजो जॉर्ज डीजे चेतास ने और सिंगर थे लीजो जोर्ज और गाने की लेंथ एक मिनट अड़तालीस सेकंड इस तरह से टोटल पांच साउंड ट्रैक फिल्म सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ सोलह मिनट तीस सेकंड जिसमें से तीन तो रिमेक है आइला रे आइला नाजा और टिपटी आइला रे आइला दो के खट्टा मीठा से उठा खतन बागची ने रीमेक किया हुआ है नाजा को पंजाबी सॉन्ग से रीमेक किया हुआ है टिप टिप बरसा को मोहरा फिल्म से उठाकर तनिष बागची ने रीमेक किया हुआ है पिछले कुछ सालों में तनिष बागची ने काफी सारा गंद फैलाया हुआ है मार्केट में सभी रीमेक गानों को पेल पेल के वो डाले जा रहे हैं और सभी गानों को अच्छी तरह से बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक अभी मैंने आपको जो फिल्म की जो रिव्यू दिया था उसमें जो कहानी बताई थी उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी डिटेलिंग दी हुई थी लेकिन कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसको मैं आपको पूरी तरह से अभी समझाने वाला हूँ तो ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा जहां पे कास्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार जो डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखाई देंगे जो ए चीफ नज के रोल में नजर आते जहां पे उनको निक नेम सूर्या दिया हुआ है कैटरीना के केब जो डॉक्टर राय सूर्यवंशी यानी कि वीर की वाइफ में वाइफ के रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन जिनको डीसीपी बाजीराव सिंघम का रोल दिया हुआ है उनका एक एक्सटेंड एक केम्यो अपरियंस देखने को मिलेगा जो सेकंड हाफ में देखने को मिलता है उन्हीं के साथ रणवीर सिंह भी इंस्पेक्टर संग्राम यानी कि सिम्बा बाले राव के रोल में दिखाई देते हैं जिनका भी एक्सटेंड केम्यो ही है और वो भी आपको फिल्म के सेकंड पार्ट में ही दिखाई देंगे उनके द्वारा क्रिएट की गई कॉमेडी आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है इसके बाद जावेद जाफरी जो आईजी कबीर श्रोफ यानी कि वीर के सीनियर ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं विवान भाटेजा जो सीनियर इंस्पेक्टर विवान सिंह के रोल में दिखाई देते हैं निहारिका रायजादा जिनको इंस्पेक्टर तारा मनचंदानी का रोल दिया गया था जे की जो उमार हफीज यानी कि लक्सर चीफ और टेरिज के रोल में दिखाई देते हैं गुलशन ग्रोवर जो यानी कि एक टेरी रिस के रोल में दिखाई देते हैं अभिमन्यु सिंह जिनको जॉन मास्टर का रोल दिया गया था, था, था कुमन मिश्रा जो बिलाल अहमद के रोल में दिखाई देंगे सिद्धार्थ जाधव जो सब इंस्पेक्टर संतोष तावड़े के रोल में दिखाई देते हैं जिन्होंने कैमियो अपरेंस किया हुआ फिल्म में संग्राम भालेराव यानी कि सिम्बा का जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का उनके साथ ही वो नजर आते मृणाल जैन जिन्होंने राजा हफीज का रोल प्ले किया हुआ है राजेंद्र गुप्ता को नईम खान का रोल दिया गया था आशिफ बासरा रफीक सिद्दकी के रोल में दिखाई देते श्रुति पनवार को मफीजा हफीज यानी कि उमर की वाइफ का रोल दिया गया था उदय तिकेतकर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के रोल में दिखाई देते अनिल चर चरणजीती जो आपको आत्माराम यानी कि बिलाल के नेबर के रोल में दिखाई देंगे अजीत सिंधाए जो मुराद अहमद का रोल प्ले कर रहे हैं आशीष वारंग जिन्होंने आशीष तांबे का रोल प्ले किया हुआ है उमा उमाकांत पाटिल जिन्होंने उमाकांत भिंडे का रोल प्ले किया हुआ है मिनल साहू जिन्होंने हफ़ीज़ यानी कि मिस हफीज़ यानी कि रियाज़ की, की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है साथ ही में सुकन्या धंधा झंडा जिन्होंने शाहिदा उस्मानी यानी कि उस्मानी के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है राजगोपाल अय्यर को मनीष राव का रोल मिला हुआ था अमृतपाल सिंह को अब्बास नईम खान का रोल दिया गया था सोफिया खान जिन्होंने लिली डाइज यानी कि जॉन की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है विधान शर्मा जिनको आर्य सूर्य यानी कि वीर और रिया के सन के रोल में वो दिखाई देते इसके अलावा अनुवा गुप्ता जिन्होंने स्नेहा के बोस का रोल प्ले किया हुआ है और रिया के कलिक के रोल में दिखाया दिए थे और जिन्होंने स्नेहा बोस के रोल में प्ले काम किया हुआ है रिया के कलिक के रोल में वो दिखाई देते ताभिद रिग जमान जिन्होंने रिया के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है कृष्णा कोटियान जिन्होंने एटीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है अनिल खोपकर जिनको मौलाना का रोल दिया गया था तो इस तरह से फिल्म में जितने भी आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिस उनको सभी नाम के साथ जो बुलाया गए उन सभी चीज़ों की डिटेलिंग के साथ कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है वो सभी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी है उसके बाद अब प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फिल्म के डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं तो सूर्यवंशी की अनाउंसमेंट दिसंबर 2018 में जब सिम्बा फिल्म रिलीज़ हुई थी तो फिल्म के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वहीं पे कर दी गई थी और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो अक्षय कुमार में फीचरिंग के दिखाई देता है जो मार्च 2019 में अनविल किया गया था जहां पे अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अनलाइक सूर्यवंशी की कोई एग्जिस्टिंग वर्क इससे पहले कोई कहानी देखने को नहीं मिलती है जैसे कि उनके अभी पहले इस फिल्म की जो सीरीज़ है यानी कि जो कॉप यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का जहाँ पे सिंगम है वो भी रीमेक थी साउथ इंडियन तमिल फिल्म सिंगम की इसके अलावा सिम्बा जो टेम्पर की ऑफिशियल रीमेक थी तो ये फिल्म की कहानी रीमेक होने वाली है नहीं उसके ऊपर डायरेक्टर ने कहा था कि ये फिल्म की कहानी ओरिजिनल है और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो गोवा में दो में स्टार्ट की गई थी फिल्मिंग की बात करें तो फिल्म के काम की शुरुआत दो में फरवरी में मुंबई में स्टार्ट किया गया था जहाँ पर फिल्म का टीजर शूट किया गया था और फिल्म के बाकी की जो शूटिंग है वो बाद में गोवा में और वहाँ पे स्क्रिप्टिंग स्टेज के बाद कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे की गई थी फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो छः मई 2019 को मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मुंबई गोवा हैदराबाद और थाईलैंड में फिल्म की बाकी की शूटिंग को प्लान किया गया था जहाँ पे जून 2019 में फिल्म के टिप टिप बरसा ने गाने को रिक्रिएट किया गया था जो मुंबई में शूट किया गया था जिसको कोरियोग्राफ किया था फराक खान ने और उसके बाद फिल्म को दूसरे शेड्यूल के लिए हैदराबाद में शिफ्ट किया गया था जहाँ पर फिल्म को एक महीने जितना कुछ एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया गया था और मेजोरिटी पार्ट फिल्म का वहीं पे शूट किया गया है फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल को दिसंबर 2019 में मुंबई में कंप्लीट करवा लिया था सेकंड शेड्यूल ने बैंकॉक में रखा गया था और उसके बाद फिल्म को पूरी तरह से 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में शूटिंग करके कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के कास्टिंग किस तरह से की, की गई थी तो उसके ऊपर डिटेलिंग दू तो सिम्बा के एन क्रेडिट में जिस तरह से अक्षय कुमार को फाइनल मेन रोल में आपको दिखाया जाता है तभी पता चलता है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी में लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले जिसका नाम है सूर्यवंशी और था तभी हमें बताया जाता है कॉपीनर्स का आइडिया हमारे सामने पेश किया जाता है और बाद में एक स्टेटमेंट के दौर स्टेटमेंट के द्वारा रोहित शेट्टी ने अनाउंस किया हुआ था कि अजय देवगन और साथी में अजय देवगन और साथ ही में रणवीर सिंह इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी फिल्म में आपको एक स्पेशल अपीरेंस के रोल में दिखाई देंगे तो इस तरह से फिल्म का एक कॉपी यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर अजय देवगन बाजीराव सिंगम और सिम्बा यानी कि संग्राम भाले राव के रोल में रणवीर सिंह आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो उन दोनों को भी इस तरह से कास्ट किया गया था और उसके बाद जैकलिन फर्नांडिस को इस फिल्म के अक्षय कुमार के अपोजिट लीड कास्ट के रोल में कम कन्फर्म किया जाने वाला है सिर उम्र आई हुई थी लेकिन बाद में मार्च 2019 में कैटरीना केब को फिल्म में एज ए लीड रोल फाइनलाइज किया गया था तो इस तरह फिल्म की मेन कास्टिंग की गई थी रिलीज की बात करें तो फिल्म को पहले ईद के मौके पर 2020 में रिलीज़ करने वाली थी जिसको 27 मार्च 2020 में बाद में रिश्ड्यूल किया गया था और उसके बाद फरवरी में फ़िल्म को 24 मार्च को रिलीज़ करने का डिसाइड किया गया था लेकिन उसके बाद में कोविड 19 पेंडेमिक के चलते सभी चीज़ें पोस्टपोन हो गई फिल्म के फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि थिएटर लॉक हो चुके थे और उसके बाद जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट में कन कन्फर्म किया कि ये फ़िल्म तेरह नवंबर 2020 दिवाली के मौके पर सिनेमा में आएगी लेकिन जिस तरह से थिएटर में जो गाइडलाइंस चलाई जा रही थी और पेंडेमिक का जो एरा था जिस वजह से ऑडियंस उतनी बेहतरीन वे में थिएटर की तरफ नहीं जा रही थी तो फिल्म को फिर से मेकर्स के द्वारा अनाउंस किया गया कि फिल्म को पोस्टपोन किया गया है अगली डेट जल्दी अनाउंस कर देंगे उसके बाद अक्टूबर 2020 को फिल्म को फिर से रिलीज डेट पोस्टपोन करते हुए कहा गया कि ये फिल्म आपको जनवरी 2021 और मार्च 2021 के बीच में देखने को मिलेगी लेकिन फेब्रुवरी 2021 में कुछ सोर्स इससे कन्फर्म हुआ कि सूर्यवंशी 2 अप्रैल 2021 को आने वाली है और उसके बाद ये रिलीज डेट भी फेल हो चुकी थी और कुछ नाइट कर्फ्यू और कुछ पार्शल लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जो चीज़ अनाउंसमेंट की हुई थी कि थिएटर के रिगार्डिंग किस तरह से क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले तो उस वजह से फिल्म को और डिले किया गया और इसके बाद फिल्म करीबन एक साल से ऊपर डिले होती हुई डिले हो रही थी और उसके बाद में चौदह मार्च दो को फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई कि यह फिल्म अब फाइनल तीस अप्रैल दो को ही रिलीज होगी लेकिन अप्रैल 2021 में फिल्म की रिलीज डेट फिर से एक बार पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि को लोग कोविड केसेस की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका था और महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे सबसे ज़्यादा फिल्मों को फिल्मों के जो कलेक्शन हासिल होते तो उस वजह से मेन सेक्टर से से करना पड़ा और उसके बाद में फिल्म को पांच नंबर दो को 2021 की दिवाली के मौके पर फाइनली थिएट्रिकली रिलीज कर दिया गया सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स की बात करें तो जी सिनेमा के पास इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है डिजिटल राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने और इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के पैसों में फिल्म को सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को बेचे गया है, जहां पे फिल्म को तीस तीन दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज करवा दिया गया है और ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है अगर आपको ये फिल्म ऑफिशियली देखनी हो तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे यह फिल्म आपको अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अदरवाइज जिस सिनेमा पे आने वाले कुछ समय में फिल्म प्रीमियर होने वाले तो वहाँ पे भी ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा ये फिल्म कहीं भी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगी बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सूर्यवंशी ने अपने पहले दिन पर करीबन छब्बीस पॉइंट उनतीस करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था दूसरे दिन तेईस पॉइंट पचासी करोड़ यानी कि तेईस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन सॉरी ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था थर्ड डे पर छब्बीस करोड़ चौरानवे लाख का टोटल ग्रोस कलेक्शन डोमेस्टिक कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस वजह से उसका जो वीकेंड टोटल होता है वो सतहत्तर करोड़ आठ लाख का क्रिएट हुआ था 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 233 करोड़ और 33 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और और सीरीज में साठ करोड़ चौरासी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड दो सौ चौरानवे करोड़ सत्रह लाख का इस फिल्म का नेट कलेक्शन आया हुआ था तो करीबन तीन सौ करोड़ के आसपास फिल्म बीस दिसंबर में ही पहुंच गई थी और क्रिटिक्स की बात करते तो इस फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा हुआ था कि ये मास ऑडियंस के लिए बनी फिल्में जो सभी तरह से इस फिल्म के यानी कि इस फ्रेंचाइज के यानी कि जो कॉप यूनिवर्स है उसके फैन हैं उनको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्ट करेगी तो अगर आपको मास फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो अगर ये फिल्म देखना चाहते हो तो फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आपको फ्री में देखने को मिलेगी अदरवाइज जी सिनेमा के पास टेलीविजन राइट्स है तो ये फिल्म अदर टेवी टी वी देखना चाहते हो तो जी सिनेमा के चैनल पर ही प्रीमियर होने वाली है तो वहाँ पर ये फिल्म देख सकते हो तो अगर आप मास फिल्मों के प्रति अट्रैक्टेड हो या कॉपीवर्स वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म जरूर देख सकते हो ये फिल्म आपको जरूर निराश नहीं करेगी सूर्यवंशी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है रोहित सेट्टी ने फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो रोहित सेट्टी का था स्क्रिप्ट भी उन्होंने क्रिएट की हुई है लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो यूनुस सजवाल ने किया हुआ है फिल्म का जिस तरह से आपको जो पर्दे पे देखने को मिलती है उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग यूनुस सजवाल ने की हुई है डायलॉग्स की बात करें तो फरहाद सामजी विधि घोडानकर रोहित शेट्टी और संचित बेंद्रे इन लोगों ने मिलकर फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए जो कहानी में आपको बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं वो इन चार लोगों ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की तो हीरो यश जौहर अरुणा भाटिया करण जौहर अपूर्वा मेहता रोहित शेट्टी ये सभी लोग फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने फिल्म का का बजट करीबन करोड़ करोड़ तक का रखा हुआ है यानी कि 165 करोड़ की लागत में फिल्म को बनाया गया है जहां पे इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट रोहित शेट्टी पिक्चर्स धर्मा प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म इन प्रोडक्शन हाउसेस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो फिल्म की कहानी को नैरेट किया हुआ है अजय देवगन ने सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी जो टी जोन की साथ ही मैं अब बात करें एडिटिंग की तो बंटी नागी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने फिल्म का रन टाइम करीबन 145 मिनट जितना रखा हुआ है तो ये फिल्म आपको करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने बेहतरीन वे में एडिटिंग में दिखाया हुआ है म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है जो फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर बीजेम बचता है वो अमर मोहिले और एस एस थमन के द्वारा सुनने को मिलेगा उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे एस एस थमन जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनके बैकग्राउंड स्कोर की काफ़ी तारीफ़ की जाती है तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी उतना बेहतर लेवल का सुनने को मिलता है जहाँ पे सभी कैरेक्टर के लिए जिस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किए हुए वो काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आ रहा था सॉन्ग्स की बात करें तो तनिक्स बाची लीजो जियॉर्ज डीजे जे चितास और जेम एट इन लोगों ने मिलकर अलग अलग गानों को क्रिएट किया हुआ है कंपोजिशन और सॉन्ग को अलग अलग आर्टिस्ट ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स इन लोगों ने मिलकर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अब बात करें रिलीज़ की तो फिल्म को वैसे तो हिंदी के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज में ओ टी पे रिलीज़ किया हुआ है लेकिन थिएटर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को 5 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था ये फिल्म करीबन 18 महीने से रुकी पड़ी थी क्योंकि कोविड 19 और लॉकडाउन की वजह से थिएटर में उतना बेहतरीन वे में जो एक्सपीरियंस और साथ ही में जो थिएटर भी बंद थे और जब ओपन हुए तो फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जिस वजह से फिल्म उतनी बेहतर वे में कलेक्ट ना कर पाती कलेक्शन ना कर पाती जिस वजह वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया और फाइनली पाँच नवंबर दो को फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको आई एम डी पे डिसेंट रेटिंग मिली हुई है जहाँ पे छः की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से जहाँ पे इकहत्तर वोट टोटल किए गए तो ये एक ओवरऑल अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है और बॉक्स ऑफिस पर तो यह फिल्म वैसे भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है इस फिल्म ने एक करोड़ के बजट में पूरी तरह से सभी चीजों को मिलाकर एक करोड़ का बजट निकला था उसके सामने करीबन तीन करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन फिल्म ने करके दिखाया हुआ है फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन है जो तीन तीन कर... करोड़ का आंकड़ा निकल के आया हुआ है वर्ल्ड वाइड फिल्म ने तीन करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है और ये ऐसा करने वाले दो की बड़ी फिल्मों में से एक है पुष्पा और ऐसी फिल्मों के साथ साथ इस फिल्म का भी नाम वहीं पर जुड़ जाता है जहाँ पे इस फिल्म में भी करीबन 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके दिखाया हुआ है अब लीड कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार कैटरीना के कैफ अजय देवगन रणवीर सिंह ये सभी लोग लीड रोल में देखने तो मिलते हैं साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जावेद जाफरी विवान भाटिया निहारिका रायजादा जेके श्रोप, गुलशन ग्रोवर अभिमन्यु सिंह निकितन धीर सिकंदर खेर कुमुंद मिश्रा सिद्धार्थ जाधव, मृणाल जैन राजेंद्र गुप्ता आसिफ बसरा ये सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं और दूसरे आर्टिस्ट और भी कहीं देखने को मिलते हैं जहाँ पे सुरती पनवार उदय तिकेतकर अनिल चरणजीत अजीत सिंधाए आशीष वारांग उम्कट पाटिल मीनाल साहू सुकन्या डांडू राजगोपाल अय्यर अमृतपाल सिंह सोफिया खान विधान शर्मा अनुवा गुप्ता तहविद रईक जमान कृष्णा कोतियन और अनिल खोपकर ऐसे कई दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं तो इस तरह से फिल्म के कास्टिंग की गई है जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में काम किया हुआ है अब बात करें फिल्म की कहानी के ऊपर तो जिस तरह से नाइन फिल्म की ट्रेलर से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि ये कहानी पूरी तरह से सूर्यवंशी के कैरेक्टर के ऊपर फोकस है जो ए टी एस बताए गए जो एक डी सी पी है तो 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ है वो कहानी के स्टार्टिंग में अजय देवगन के द्वारा जो निरेशन मिलता है वहीं से ये सभी चीज़ें आपको पता चलती है नाइन्टीन में मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें ए चीफ यानी कि डीसीपी सी पी सूर्यवंशी के माँ बाप मारे जाते और उसके बाद वहीं से जावेद जाफरी का जो कैरेक्टर है वो सभी स्लीपर सेलों और सभी लोगों को पकड़ लेता है लेकिन टोटल चालीस टेररिस्ट जो इंडिया में मैच देखने आए हुए थे तो वो वहीं रुक गए दूसरे कुछ तो दो लोग थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए तो इस तरह से उस बॉम ब्लास्ट में से कहीं लोग छुट के निकल चुके हैं जहाँ पर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें टोटल चार एक हज़ार किलोग्राम आर लाया गया था इंडिया में जिसमें से सिर्फ 400 ग्राम किलोग्राम आर ही 1993 नाइनटी थ्री में यूज़ हुआ था बाकी से 600 ग्राम 600 किलोग्राम कहीं पे दफन करके रखा हुआ है इंडिया में ऊपर वो कहाँ है वो सभी तक किसी को पता नहीं है तो सूर्यवंशी किस तरह से इन सभी चीज़ों का पता लगाएगा और ये सभी चीज़ें नौ साल दस साल के बाद वापस से चर्चा में आती है कि मुंबई में एक और बम ब्लास्ट होने वाला है तो इन सभी चीज़ों से सूर्यवंशी किस तरह से मुंबई को बचाता है साथ ही में कैटरीना कैप का इस फिल्म में किस तरह से क्या रोल रहने वाला है ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी क्रिएट की गई और इसके अलावा सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी किस तरह से फिल्म में एक साथ आते हैं और किस तरह से लोग किस तरह से टेरिस का सामना करेंगे उन सभी चीज़ों में काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की जो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी वैसे तो कहानी रूटीन है और प्रिडिक्टेबल है लेकिन इन सभी चीज़ों में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने एक मल्टी यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट की पुल पुलकॉप यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट करके दिखाई हुई है जहाँ पे सभी कैरेक्टर को मिलकर जिस तरह से कहानी रची हुई है वो बढ़िया थी फिल्म की कहानी ज़रूर रूटीन थी लेकिन ये थिएटर पर एक्सपीरियंस

इसके अलावा फिल्म के डायलॉग्स जो सुनने को मिलते हैं वो अच्छे थे साथ ही में फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से सभी फ्रेम रिच देखने को मिल रही थी वो सभी चीजें इशारा कर रहे थे फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी हाई है इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है जोमन टी जोन जिन्होंने कैमरा वर्क किया हुआ है उनका कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नजर आता है जिस तरह से डीओपी का काम उनकी तरफ से देखने को मिलता है वो अमेजिंग था फिल्म के सभी फाइट सिक्वेंस जो लोकेशन दिखाए हुए उन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था सूर्यवंशी कैरेक्टर को जिस तरह से शोकेस करके पेश किया हुआ है वो बढ़िया था उन सभी चीज़ों की वजह से फिल्म का जो हर एक फ्रेम है वो काफ़ी रिच और साथ ही में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी एडिटिंग की बात करें तो बंटी ने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है जिस तरह से फिल्म को अच्छी तरह से बैकग्राउंड तो की की तो स्कोर आपको काफी शानदार सुनने को मिलता है इसे स्थमन और अमर मोहिले ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया था अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पीछे बेबदने वाला बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफी हाईलाइट पॉइंट में से एक है इसके अलावा बाकी सभी बैकग्राउंड स्कोर को भी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था फिल्म में जो इमोशनल सी है एक्शन सीन है जो एंट्री सीन है उन सभी चीज़ों में जो बैकग्राउंड बचता वो बढ़िया नजर आ रहा था जिस वजह से वो सभी चीज़ें फिल्म को एक बढ़िया फ्लेवर एड करती हुई नज़र आती है जो मास ऑडियंस है उसको और भी बेहतरीन तरीके से फिल्म म्यूज़िक की वजह से अट्रैक्ट कर रही थी इसके अलावा फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ़ में डायरेक्ट ने एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अच्छा था जिस तरह से सेकंड हाफ में सिम्बा और साथी में सिंगम को लाया जाता है और उसके बाद में उन तीनों को मिलाकर जिस तरह से क्लाइमैक्स सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें थिएटर में और ऑडियंस जो भी फिल्म अभी देख रही होगी ओ पे उनको और बेहतरीन वे में मजा देगी इन सभी चीज़ों में आपको जरूर मजा आएगा फिल्म की कहानी जिस तरह से सेट की हुई थी वो सभी चीजें जो स्क्रिप्टिंग में नज़र आ रही थी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और वैसे भी फिल्म की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी समय पहले से स्टार्ट की हुई थी जो स्क्रिप्ट के ऊपर हमें नज़र आ रही थी अब बात करें फिल्म के जो विजुअल्स और सॉरी अब बात करें फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में तो फिल्म के जो गाने हैं वो काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे जहाँ पे कहीं बेहतरीन बेहतरीन सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे तो उसको टी सीरीज़ लेवल के नीचे तनिस बागची जॉर्ज डीजे चेतास लीजो जॉर्ज और जेम एड के द्वारा कंपोज किया गया था जहां पे फिल्म के जो गानों की लेंथ है वो 16 मिनट तीस सेकंड का प्रॉपर फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था जिसको 11 नंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया था और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म के गाने अवेलेबल किए गए थे जहाँ पे फिल्म आईला रे आईलाज का जो गाना है 2010 में अखट्टा मिठ्ठा फिल्म अक्षय कुमार के आई थी उसी गाने को रिक्रिएट भी किया हुआ है इसके अलावा 2017 में जो पंजाबी सॉन्ग एक आया हुआ था नाजा वाला नाजा नाजा वाला तो उस सॉन्ग का भी सेम नाम के साथ ही रीमेक किया हुआ है और ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ था पउ धारिया ने टिप टिप बरसा पानी जो एक और अक्षय कुमार की फिल्म थी मोहरा नाम की जहाँ पे रवीना टंडन के साथ उनका वो गाना फिल्माया गया था उस गाने को फिर से इस फिल्म में रिक्रिएट किया गया है जहाँ पे बीजू शाह ओरिजिनल गाने को कंपोज किया गया था और वोकल्स आपको सुनने को मिले होगी ओरिजिनल सिंगर थे वो थे अलका याग्निक और उदित नारायण अब ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना जो रे ज्वाइला जैसे कहा रीमेक था जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने म्यूजिक दिया हुआ था तनिस बागची ने सिंगर थे फिल्म के दलेर मेहंदी और गाने की लेंथी थी दो मिनट छत्तीस सेकंड दूसरा गाना मेरा यार जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ था जे एट ने सिंगर थे अरिजीत सिंह और नितिन मोहन गाने की लेंथ थी चार मिनट पैंतालीस सेकंड तीसरा गाना जो नाजा वो भी पंजाबी सॉन्ग का रीमेक था और वैसे भी तनिष की ज्यादातर रीमेक सॉन्ग के ही रिक्रिएशन करके दिखाने में माहिर है अदरवाइज उनका ओरिजिनल कंटेंट उतना बढ़िया वे में चलता भी नहीं है तनिष बागची को एक काम करना चाहिए सभी चीजें बंद कर देनी चाहिए वैसे भी उनके फालतूगिरी की वजह से अच्छे अच्छे गाने बिगड़ रहे हैं नाजा नाजा गाना को जिस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से पेला हुआ है वो बढ़िया तरीके से हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था तनिष बागची के द्वारा उसके लिरिक्स लिखे हुए थे म्यूजिक भी तनिष बागची का ही था सिंगर थे निकिता गांधी और गाने की मिनट सेकंड अगर उस गाने को नहीं रिक्रिएट किया होता और भी बढ़िया रहता चौथा गाना टिप टिप बरसा पानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंद बख्शी और तनिष बागची ने और ये गाना भी मोहरा फिल्म का रीमेक है जो अक्षय कुमार की फिल्म थी और इसको रिक्रिएट कर और कौन सक है वही बागची टी सीरीज के साथ उन्होंने रिक्रिएशन का कोई री, री में गानों बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा सिंगर है उदित नारायण और अलका याग्निक और गाने की लेंथ है चार मिनट दस सेकंड पांचवा गाना सूर्यवंशी जो थीम म्यूजिक है उसका म्यूजिक दिया हुआ है लीजो जॉर्ज डीजे चेतास ने और सिंगर थे लीजो जॉर्ज और गाने की लेंथ एक मिनट अड़तालीस सेकंड इस तरह से टोटल पांच साउंड ट्रैक फिल्में सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ ही सोलह मिनट तीस सेकंड जिसमें से तीन तो रिमेक है आइला रे आइला नाजा और टिपटी आइला रे आइला दो हजार दस के खट्टा मीठा से उठाकर तनिष बागची ने रीमेक किया हुआ है नाजा को पंजाबी सॉन्ग से रीमेक किया हुआ है टिप टिप बरसा को मोहरा फिल्म से उठाकर तनिष बागची ने रीमेक किया हुआ है पिछले कुछ सालों में तनिष बागची ने काफी सारा गंद फैलाया हुआ है मार्केट में सभी रीमेक गानों को पेल पेल के वो डाले जा रहे हैं और सभी गानों को अच्छी तरह से बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक अभी मैंने आपको जो फिल्म की रिव्यू दिया था उसमें जो कहानी बताई थी उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी डिटेलिंग दी हुई थी लेकिन कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसको मैं आपको पूरी तरह से अभी समझाने वाला हूँ तो ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा जहाँ पे कास्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार जो डी वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखाई देंगे जो ए चीफ नज के रो, रोल में नजर आते जहां पे उनको निकनेम सूर्या दिया हुआ है कैटरीना के केब जो डॉक्टर राय सूर्यवंशी यानी कि वीर की वाइफ में वाइफ के रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन जिनको डीसीपी बाजीराव सिंगम का रोल दिया हुआ है उनका एक एक्सटेंड एक कैम्यूअपीरेंस देखने को मिलेगा जो सेकंड हाफ में देखने को मिलता है उन्हीं के साथ रणवीर सिंह भी इंस्पेक्टर संग्राम यानी कि सिम्बा बाले राव के रोल में दिखाई देते हैं जिनका भी एक्सटेंड कैम्यूअपीरेंस ही है और वो भी आपको फिल्म के सेकंड पार्ट में ही दिखाई देंगे उनके द्वारा क्रिएट की गई कॉमेडी आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है इसके बाद जावेद जाफरी जो आईजी कबीर सरोब यानी कि वीर के सीनियर ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं विवान भाटेजा जो सीनियर इंस्पेक्टर विवान सिंह के रोल में दिखाई देते हैं निहारिका रायजादा जिनको इंस्पेक्टर तारा मनचंदानी का रोल दिया गया था जेकी सरोब जो उमर हफीज यानी कि लक्सर चीफ और टेररिस्ट के रोल में दिखाई देते हैं गुलशन ग्रोवर जो कदार उस्मानी यानी कि एक टेररिस्ट के रोल में दिखाई देते हैं अभिमन्यु सिंह जिनको रियाज हफीज का रोल दिया गया था निकितन धीर को मुख्तान अंसारी का रोल दिया गया था सिकंदर खेर को जॉन मास्टर टंस का रोल दिया गया था कुमन मिश्रा जो बिलाल अहमद के रोल में दिखाई देंगे सिद्धार्थ जाधव जो सब इंस्पेक्टर संतोष तावड़े के रोल में दिखाई देते जिन्होंने कैमियो अपेरेंस किया हुआ है फिल्म में वो संग्राम बालेराव यानी कि सिम्बा का जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का उनके साथ ही वो नजर आते मृणाल जैन जिन्होंने राजा हफीज का रोल प्ले किया हुआ है राजेंद्र गुप्ता को नईम खान का रोल दिया गया था आशिफ बासरा रफीक सिद्दकी के रोल में दिखाई देते श्रुति पनवार को मफीजा हफीज यानी कि उमर की वाइफ का रोल दिया गया था उदय तिकेतकर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के रोल में दिखाई देते अनिल चर चरणजीती जो आपको आत्मा राम कि बिलाल के नेबर के रोल में दिखाई देंगे अजीत सिंधाए जो मुराद अहमद का रोल प्ले कर रहे हैं आशीष वारांग जिन्होंने आशीष तांबे का रोल प्ले किया हुआ है उमा उमाकांत पाटिल जिन्होंने उमाकांत भिंडे का रोल प्ले किया हुआ है मिनल साहू जिन्होंने हफ़ी यानी कि मिस हफ़ीज़ यानी कि रियाज के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है साथ ही में सुकन्या धंधा झंडा जिन्होंने शाहिदा उस्मान यानी कि उस्मानी के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है राजगोपाल अय्यर को मनीष राव का रोल मिला हुआ था अमृतपाल सिंह को अब्बास नईम खान का रोल दिया गया था सोफिया खान जिन्होंने लिली डाइज यानी कि जॉन की, की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है विधान शर्मा जिनको आर्य सूर्यवंशी यानी कि वीर और सरिया के सन के रोल में वो दिखाई देते इसके अलावा अनुवा गुप्ता जिन्होंने स्नेहा के बोस का रोल प्ले किया हुआ है और रिया के कलिक के रोल में दिखाया दिए थे और जिन्होंने स्नेहा बोस के रोल में प्ले काम किया हुआ है रिया के कलिक के रोल में वो दिखाई देते ताभिद रिग जमान जिन्होंने रिया के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है कृष्णा कोटियान जिन्होंने एटीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है अनिल खोपकर जिनको मौलाना का रोल दिया गया था तो इस तरह से फिल्म में जितने भी आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिस उनको सभी नाम के साथ जो बुलाया गया उन सभी चीज़ों की डिटेलिंग के साथ कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है वो सभी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी है उसके बाद अब प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म के डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं तो सूर्यवंशी की अनाउंसमेंट दिसंबर 2018 में जब सिम्बा फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वहीं पे कर दी गई थी और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो अक्षय कुमार में फीचरिंग के दिखाई देता है जो मार्च 2019 में अनविल किया गया था जहां पे अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अनलाइक सूर्यवंशी की कोई एग्जिस्टिंग वर्क इससे पहले कोई कहानी देखने को नहीं मिलती है जैसे कि उनके अभी पहले इस फिल्म की जो सीरीज़ है यानी कि जो कॉप यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का जहाँ पे सिंगम है वो भी रीमेक थी साउथ इंडियन तमिल फिल्म सिंगम की इसके अलावा सिम्बा जो टेम्पर की ऑफिशियल रीमेक थी तो ये फिल्म की कहानी रीमेक होने वाली है नहीं उसके ऊपर डायरेक्टर ने कहा था कि ये फिल्म की कहानी ओरिजिनल है और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो गोवा में दो में स्टार्ट की गई थी फिल्मिंग की बात करें तो फिल्म के काम की शुरुआत दो में फरवरी मुंबई में स्टार्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म का टीज़र शूट किया गया था और फिल्म के बाकी की जो शूटिंग है वो बाद में गोवा में और वहाँ पे स्क्रिप्टिंग स्टेज के बाद कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे की गई थी फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो छः मई 2019 को मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मुंबई गोवा हैदराबाद और थाईलैंड में फिल्म की बाकी की शूटिंग को प्लान किया गया था जहाँ पे जून 2019 में फिल्म के टिप टिप बरसा बरसापाने गाने को रिक्रिएट किया गया था जो मुंबई में शूट किया गया था जिसको कोरियोग्राफ किया था फराक खान ने और उसके बाद फिल्म को दूसरे शेड्यूल के लिए हैदराबाद में शिफ्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक महीने जितना कुछ एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया गया था और मेजोरिटी पार्ट फिल्म का वहीं पे शूट किया गया है फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल को दिसंबर 2019 में मुंबई में कंप्लीट करवा लिया था सेकंड शेड्यूल ने बैंकॉक में रखा गया था और उसके बाद फिल्म को पूरी तरह से 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में शूटिंग करके कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के कास्टिंग की कास्टिंग किस तरह से की गई थी तो उसके ऊपर डिटेलिंग दू तो सिम्बा के क्रेडिट में जिस तरह से अक्षय कुमार को फाइन मेन रोल में आपको दिखाया जाता है तभी पता चलता है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी में लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले जिसका नाम है सूर्यवंशी और तभी हमें बताया जाता है कॉपीनर्स का आइडिया हमारे सामने पेश किया जाता है और बाद में एक स्टेटमेंट के द्वारा स्टेटमेंट के द्वारा रोहेसेटी ने अनाउंस किया हुआ था कि अजय देवगन और साथी में अजय देवगन और साथ ही में रणवीर सिंह इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी फिल्म में आपको एक स्पेशल अपीरेंस के रोल में दिखाई देंगे तो इस तरह से फिल्म का एक कॉपी यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे अजय देवगन बाजीराव सिंगम और सिम्बा कि संग्राम भाले राव के रोल में रणवीर सिंह आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो उन दोनों को भी इस तरह से कास्ट किया गया था और उसके बाद जैकलिन फर्नांडिस को इस फिल्म के अक्षय कुमार के अपोजिट लीड कास्ट के रोल में कम कं, कन्फर्म किया जाने वाला ए सर उमर आई हुई थी लेकिन बाद में मार्च 2019 में कटरीना केब को फिल्म में एज ए लीड रोल फाइनलाइज किया गया था तो इस तरह फिल्म की मेन कास्टिंग की गई थी रिलीज की बात करें तो फिल्म को पहले ईद के मौके पर 2020 में रिलीज़ करने वाली थी जिसको 27 मार्च 2020 में बाद में रिशेड्यूल किया गया था और उसके बाद फरवरी में फ़िल्म को 24 मार्च को रिलीज़ करने का डिसाइड किया गया था लेकिन उसके बाद में कोविड 19 पेंडेमिक के चलते सभी चीज़ें पोस्टपोन हो गई फिल्म के फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि थिएटर लॉक हो चुके थे और उसके बाद जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट में कन्फर्म किया कि ये फिल्म तेरह नवंबर 2020 दिवाली के मौके पर सिनेमा में आएगी लेकिन जिस तरह से थिएटर में जो गाइडलाइंस चलाई जा रही थी और पेंडेमिक का जो एरा था जिस वजह से ऑडियंस उतनी बेहतरीन वे में थिएटर की तरफ नहीं जा रही थी तो फिल्म को फिर से मेकर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है कि फिल्म को पोस्टपोन किया गया है अगली डेट जल्दी अनाउंस कर देंगे उसके बाद अक्टूबर 2020 को फिल्म को फिर से रिलीज डेट पोस्टपोन करते हुए कहा गया है कि ये फिल्म आपको जनवरी 2021 और मार्च 2021 के बीच में देखने को मिलेगी लेकिन फेब्रुवरी 2021 में कुछ सोर्स से कन्फर्म हुआ कि सूर्यवंशी दो अप्रैल दो को आने वाली है और उसके बाद ये रिलीज डेट भी फेल हो चुकी थी और कुछ नाइट कर्फ्यू और कुछ पार्शल लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जो चीज़ अनाउंसमेंट की हुई थी कि थिएटर के रिगार्डिंग किस तरह से क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले तो उस वजह से फिल्म को और डिले किया गया और इसके बाद फिल्म करीबन एक साल से ऊपर डिले होती हुई डिले हो रही थी और उसके बाद में चौदह मार्च दो हज़ार इक्कीस को फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई कि यह फिल्म अब फाइनल तीस अप्रैल दो हज़ार इक्कीस को ही रिलीज़ होगी लेकिन अप्रैल दो हज़ार इक्कीस में फिल्म की रिलीज डेट फिर से एक बार पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि को लोग कोविड केसेस की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका था और महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिल्मों को फिल्मों के जो कलेक्शन हासिल होती तो उस वजह से मेन सेक्टर ही बंद होने की वजह से फिल्म को फिर से रिशेड्यूल करना पड़ा और उसके बाद में फिल्म को पाँच नंबर दो को 2021 की दिवाली के मौके पर फाइनली थिएट्रिकली रिलीज कर दिया गया सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स की बात करें तो जी सिनेमा के पास इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है डिजिटल राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने और इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के पैसों में फिल्म को सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को बेचे गया है, जहां पे फिल्म को तीस तीन दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज करवा दिया गया है और ओ टी प्लेटफॉर्म पे भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है अगर आपको ये फिल्म ऑफिशियली देखनी हो तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे यह फिल्म आपको अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अदरवाइज जिस सिनेमा पे आने वाले कुछ समय में ये फिल्म प्रीमियर होने वाले है तो वहाँ पे भी ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा ये फिल्म कहीं भी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगी बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सूर्यवंशी ने अपने पहले दिन पर करीबन छब्बीस पॉइंट उनतीस करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था दूसरे दिन तेईस पॉइंट पचासी करोड़ यानी कि तेईस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन सॉरी ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था थर्ड डे पर छब्बीस करोड़ चौरानवे लाख का टोटल ग्रोस कलेक्शन डोमेस्टिक कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस वजह से उसका जो वीकेंड टोटल होता है वो सतहत्तर करोड़ आठ लाख का क्रिएट हुआ था 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 233 करोड़ और 33 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और और सीरीज में साठ करोड़ चौरासी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड दो सौ चौरानवे करोड़ सत्रह लाख का इस फिल्म का नेट कलेक्शन आया हुआ था तो करीबन तीन सौ करोड़ के आसपास फिल्म बीस दिसंबर में ही पहुंच गई थी और क्रिटिक्स की बात करते तो इस फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स ही मिला हुआ था जहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा हुआ था कि ये मास ऑडियंस के लिए बनी फिल्में जो सभी तरह से इस फिल्म के यानी कि इस फ्रेंचाइज के यानी कि जो खोप यूनिवर्स है उसके फैन है उनको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी तो अगर आपको मास फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो अगर ये फिल्म देखना चाहते हो तो फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आपको फ्री में देखने को मिलेगी अदरवाइज़ जी सिनेमा के पास टेलीविजन राइट्स है तो ये फिल्म अदर टेवी टी वी देखना चाहते हो तो जी सिनेमा के चैनल पर ही प्रीमियर होने वाली है तो वहाँ पर ये फिल्म देख सकते हो तो अगर आप मास फिल्मों के प्रति अट्रैक्टेड हो या कॉपी वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म जरूर देख सकते हो ये फिल्म आपको जरूर निराश नहीं करेगी सूर्यवंशी जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है रोहित सेट्टी ने फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो रोहित सेट्टी का था स्क्रिप्ट भी उन्होंने क्रिएट की हुई है लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो यूनुस सजवाल ने किया हुआ है फिल्म का जिस तरह से आपको जो पर्दे पे देखने को मिलती है उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग यूनुस सजवाल ने की हुई है डायलॉग्स की बात करें तो फरहाद सामजी विधि घोडानकर रोहित शेट्टी और संचित बेंद्रे इन लोगों ने मिलकर फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं जो कहानी में आपको बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं वो इन चार लोगों ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की तो यश जौहर अरुणा भाटिया करण जौहर अपूर्वा मेहता रोहित शेट्टी ये सभी लोग फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने फिल्म का बजट करीबन एक करोड़ तक का रखा हुआ है यानी कि एक करोड़ की लागत में फिल्म को बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट रोहित शेट्टी पिक्चर्स धर्मा प्रोडक्शन केप ऑफ गुड फिल्म इन प्रोडक्शन हाउसेस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो फिल्म की कहानी को नेरेट किया हुआ है अजय देवगन ने सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी जोमोन टी जॉन की साथ ही में तो बंटी नागी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने फिल्म का रन टाइम करीबन 145 मिनट जितना रखा हुआ है, तो यह फिल्म आपको करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी जहां पे काफी सारी चीजों को उन्होंने बेहतरीन वे में एडिटिंग में दिखाया हुआ है म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है जो फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो अमर मोहिले और एस एस थमन के द्वारा सुनने को मिलेगा उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे एस एस थमन जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनके बैकग्राउंड स्कोर की काफ़ी तारीफ़ की जाती है तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी उतना बेहतर लेवल का सुनने को मिलता है जहाँ पर सभी कैरेक्टर के लिए जिस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किए हुए है वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था सॉन्ग्स की बात करें तो तनिक्स बाची लीजो जॉर्ज डीजे जे चितास और जेम एट इन लोगों ने मिलकर अलग अलग गानों को क्रिएट किया हुआ है कंपोजिशन और सॉन्ग को अलग अलग आर्टिस्ट ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स इन लोगों ने मिलकर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अब बात करें रिलीज की तो फिल्म को वैसे तो हिंदी के साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस में ओटीटी पे रिलीज़ किया हुआ है लेकिन थिएटर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को पाँच नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था ये फिल्म करीबन 18 महीने से रुकी पड़ी थी क्योंकि कोविड 19 और लॉकडाउन की वजह से थिएटर में उतना बेहतरीन वे में जो एक्सपीरियंस और साथ ही में जो थिएटर भी बंद थे और जब ओपन हुए तो फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जिस वजह से फिल्म उतनी बेहतर वे में कलेक्ट ना कर पाती कलेक्शन ना कर पाती जिस वजह से वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया और फाइनली पाँच नवंबर दो को फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको आई एम डी पे डिसेंट रेटिंग मिली हुई है जहाँ पे छः की रेटिंग हासिल की हुई है दस में से जहाँ पे इकहत्तर हजार वोट टोटल किए गए तो ये एक ओवरऑल अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है और बॉक्स ऑफिस

पुष्पा और ऐसी फिल्मों के साथ साथ इस फिल्म का भी नाम वहीं पे जुड़ जाता है जहां पे इस फिल्म में भी करीबन 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके दिखाया हुआ है अब लीड कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार कैटरीना के कैफ अजय देवगन रणवीर सिंह ये सभी लोग लीड रोल में देखने को तो मिलते हैं साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जावेद जाफरी विवान भाटिया निहारिका रायजादा जेके स्रोफ गुलशसन ग्रोवर अभिमन्यु सिंह निकितन धीर सिकंदर खेर कुमुंद मिश्रा सिद्धार्थ जाधव मृणाल जैन राजेंद्र गुप्ता आसिफ बसरा ये सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं और दूसरे आर्टिस्ट और भी कहीं देखने को मिलते हैं जहाँ पे सुरती पनवार उदय तिकेतकर अनिल जय चरनजीत अजीत सिंधाए आशीष उमंकट पाटिल मिनाल साहू सुकन्या डांडू राजगोपाल अय्यर अमृतपाल सिंह सोफिया खान विधान शर्मा अनुवा गुप्ता तहावीद रईक जमान कृष्णा कोतियन और अनिल खोपकर ऐसे कई दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते तो इस तरह से फिल्म के कास्टिंग की गई है जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में काम किया हुआ है अब बात करें फिल्म की कहानी के ऊपर तो जिस तरह से नाइन फिल्म की ट्रेलर से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि ये कहानी पूरी तरह से सूर्यवंशी के कैरेक्टर के ऊपर फोकस है जो एटीएस चीफ बताए गए जो एक डीसीपी है तो 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ है वो कहानी के स्टार्टिंग में अजय देवगन के द्वारा जो निरेशन मिलता है वहीं से ये सभी चीज़ें आपको पता चलती है 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें एटीसी चीफ यानी कि डीसीपी सी सूर्यवंशी के माँ बाप मारे जाते और उसके बाद वहीं से ए, जावेद जाफरी का जो कैरेक्टर है वो सभी स्लीपर सेलों और सभी लोगों को पकड़ लेता है लेकिन टोटल चालीस टेररिस्ट जो इंडिया में मैच देखने आए हुए थे तो वो वहीं रुक गए दूसरे कुछ तो दो, दो लोग थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए तो इस तरह से उस बॉम ब्लास्ट में से कहीं लोग छुटके निकल चुके हैं जहाँ जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें टोटल चार एक हज़ार किलोग्राम आर लाया गया था इंडिया में जिसमें से सिर्फ 400 ग्राम किलोग्राम आर ही 1993 नाइन्टी ब्लास्ट में यूज़ हुआ था बाकी से छः सौ ग्राम छः सौ किलोग्राम कहीं पे दफन करके रखा हुआ है इंडिया में ऊपर वो कहाँ है वो सभी तक किसी को पता नहीं है तो सूर्यवंशी किस तरह से इन सभी चीज़ों का पता लगाएगा और ये सभी चीज़ें नौ साल दस साल के बाद वापस से चर्चा में आती है कि मुंबई में एक और ब्लास्ट होने वाला है तो इन सभी चीज़ों से सूर्यवंशी किस तरह से मुंबई को बचाता है साथ ही में कैटरीना कैफ का इस फिल्म में किस तरह से क्या रोल रहने वाला है ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी क्रिएट की गई और इसके अलावा सिंगम सिम्बा और सूर्यवंश किस तरह से फिल्म में एक साथ आते हैं और किस तरह से लोग किस तरह से टेररिस्ट का सामना करेंगे उन सभी चीज़ों में काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा अब बात करते फिल्म की कहानी की जो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी वैसे तो कहानी रूटीन है और प्रिडिक्टेबल है लेकिन इन सभी चीज़ों में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने एक मल्टी यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट की पुलकॉप यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट करके दिखाई हुई है जहाँ पे सभी कैरेक्टर को मिलकर जिस तरह से कहानी रची हुई है वो बढ़िया थी फिल्म की कहानी ज़रूर रूटीन थी लेकिन ये थिएटर पे एक्सपीरियंस करने

इसके अलावा फिल्म के डायलॉग्स जो सुनने को मिलते हैं वो अच्छे थे साथ ही में फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से सभी फ्रेम रिच देखने को मिल रही थी वो सभी चीजें इशारा कर रहे थे कि फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई है इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है जोमन टी जॉन जिन्होंने कैमरा वर्क किया हुआ है उनका कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नजर आता है जिस तरह से डीओपी का काम उनकी तरफ से देखने को मिलता है वो अमेजिंग था फिल्म के सभी फाइट सिक्वेंस जो लोकेशन दिखाए हुए उन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था सूर्यवंशी कैरेक्टर को जिस तरह से शोकेस करके पेश किया हुआ है वो बढ़िया था उन सभी चीज़ों की वजह से फिल्म का जो हर एक फ्रेम है वो काफ़ी रिच और साथ ही में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी एडिटिंग की बात करें तो बंटी ना ने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है जिस तरह से फिल्म को अच्छी तरह से इतनी बड़ी फिल्म को दो दो तो बैकग्राउंड की की तो स्कोर आपको काफी शानदार सुनने को मिलता है इसे स्थमन और अमर मोहिले ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया था अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पीछे बेबदने वाला बैकग्राउंड स्कोर फिल्म काफी हाईलाइट पॉइंट में से एक है इसके अलावा बाकी सभी बैकग्राउंड स्कोर को भी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था फिल्म में जो इमोशनल बढ़िया नजर आ रहा था जिस वजह से वो सभी फिल्म को एक फ्लेवर एड करती हुई नजर आती है जो मास उसको और भी बेहतरीन तरीके से फिल्म म्यूजिक की वजह से अट्रैक्ट कर रही थी इसके अलावा फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अच्छा था जिस तरह से सिम्बा और साथी में सिंगम को लाया जाता है और उसके बाद में उन तीनों को मिलाकर जिस तरह से क्लाइमैक्स सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें थिएटर में और ऑडियंस जो भी फिल्म अभी देख रही होगी ओटीटी पे उनको और बेहतरीन वे में मजा देगी इन सभी चीज़ों में आपको जरूर मज़ा आएगा फिल्म की कहानी जिस तरह से सेट की हुई थी वो सभी चीज़ें जो स्क्रिप्टिंग में नज़र आ रही थी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और वैसे भी फिल्म की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी समय पहले से स्टार्ट की हुई थी जो स्क्रिप्ट के ऊपर हमें नज़र आ रही थी अब बात करें फिल्म के जो विजुअल्स और सॉरी अब बात करें फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में तो फिल्म के जो गाने हैं वो काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे जहाँ पे कहीं बेहतरीन बेहतरीन सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे तो उसको टी सीरीज लेवल के नीचे तनिस बागची जॉर्ज डीजे चेतास लीजो जॉर्ज और जेम एड के द्वारा कंपोज किया गया था जहां पे फिल्म के जो गानों की लेंथ है वो 16 मिनट तीस सेकंड का प्रॉपर फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था जिसको 11 नंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया था और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म के गाने अवेलेबल किए गए थे जहाँ पे फिल्म आईला रे आईला का जो गाना है 2010 में खट्टा मिठ्ठा फिल्म अक्षय कुमार के आई थी उसी गाने को रिक्रिएट भी किया हुआ है इसके अलावा 2017 में जो पंजाबी सॉन्ग एक आया हुआ था नाजा वाला नाजा नाजा वाला तो उस सॉन्ग का भी सेम नाम के साथ ही रीमेक किया हुआ है और ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ था पउ धारिया ने टिप टिप बरसा पानी जो एक और अक्षय कुमार की फिल्म थी मोहरा नाम की जहाँ पे रवीना टंडन के साथ उनका वो गाना फिल्माया गया था उस गाने को फिर से इस फिल्म में रिक्रिएट किया गया है जहाँ पे बीजू शाह ने ओरिजिनल गाने को कंपोज किया गया था और वोकल्स आपको सुनने को मिले होगी ओरिजिनल सिंगर थे वो थे अलका याग्निक और उदित नारायण अब ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना जैसे कहा रीमेक था जिसके लिरिक्स लिखे हुए सब्बीर अहमद ने म्यूजिक दिया होता था बागची ने सिंगर थे फिल्म के दलेर मेहंदी और गाने की लेंथ थी दो मिनट छत्तीस सेकंड दूसरा गाना मेरा यारा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ था जे एम एट ने सिंगर थे अरिजीत सिंह और नितिन मोहन गाने की लेंथ थी चार मिनट पैतालीस सेकंड तीसरा गाना जो नाजा वो भी पंजाबी सॉन्ग का रीमेक था वैसे भी तनिष बागची ज्यादातर

मिनट ग्यारह सेकंड अगर उस गाने को नहीं रिक्रिएट किया होता और भी बढ़िया रहता चौथा गाना टिप टिप बरसा पानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंद बख्शी और तनिष बागची ने और ये गाना भी मोहरा फिल्म का रीमेक है जो अक्षय कुमार की फिल्म थी और इसको रिक्रिएट कर और कौन सकता है वही तनिष बागची टी सीरीज के साथ उन्होंने रिक्रिएशन का कोई ए, री, री में गानों बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा सिंगर है उदित नारायण और अलका याग्निक और गाने की लेंथ है चार मिनट दस सेकंड पांचवा गाना सूर्यवंशी जो थीम म्यूजिक है उसका म्यूजिक दिया हुआ है लीजो जॉर्ज डी जे चैतास ने और सिंगर थे लीजो जॉर्ज और गाने की लेंथ है एक मिनट अड़तालीस सेकंड इस तरह से टोटल पांच साउंड ट्रैक फिल्में सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ ही सोलह मिनट तीस सेकंड जिसमें से तीन तो रीमेक है आइला रे आइला नाजा और टिप्टी आइला रे आइला दो हजार दस के खट्टा मीठा से उठाकर इस बागची ने रीमेक किया हुआ है नाजा को पंजाबी सॉन्ग से रीमेक किया हुआ है टिप टिप बरसा को मोहरा फिल्म से उठाकर तनिष बागची ने रीमेक किया हुआ है पिछले कुछ सालों में तनिष बागची ने काफ़ी सारा गंद फैलाया हुआ है मार्केट में सभी रीमेक गानों को पेल पेल के वो डाले जा रहे हैं और सभी गानों को अच्छी तरह से बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक अभी मैंने आपको जो फिल्म की जो रिव्यू दिया था उसमें जो कहानी बताई थी उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी डिटेलिंग दी हुई थी लेकिन कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसको मैं आपको पूरी तरह से अभी समझाने वाला हूँ तो ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा जहां पे कास्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार जो डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखाई देंगे जो ए चीफ नज के रो, रोल में नजर आते जहां पे उनको निकनेम सूर्या दिया हुआ है कैटरीना के कैफ जो डॉक्टर राय सूर्यवंशी यानी कि वीर की वाइफ में वाइफ के रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन जिनको डीसीपी बाजीराव सिंघम का रोल दिया हुआ है उनका एक एक्सटेंड एक केम्यो अपीरियंस देखने को मिलेगा जो सेकंड हाफ में देखने को मिलता है उन्हीं के साथ रणवीर सिंह भी इंस्पेक्टर संग्राम यानी कि सिम्बा बाल्याराव के रोल में दिखाई देते हैं जिनका भी एक्सटेंड केम्यो अपीरियंस ही है और वो भी आपको फिल्म के सेकंड पार्ट में ही दिखाई देंगे उनके द्वारा क्रिएट की गई कॉमेडी आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है इसके बाद जावेद जाफरी जो आईजी कबीर श्रोफ यानी कि वीर के सीनियर ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं विवान भाटेजा जो सीनियर इंस्पेक्टर विवान सिंह के रोल में दिखाई देते हैं निहारिका रायजादा जिनको इंस्पेक्टर तारा मनचंदानी का रोल दिया गया था जेकि श्रोफ जो उमार हफीज यानी कि लक्सर चीफ और टेरिस के रोल में दिखाई देते हैं गुलशन ग्रोवर जो यानी कि एक के रोल में दिखाई सिंह जिनको जॉन मास्टर का रोल दिया गया था, था, था कुमन मिश्रा जो बिलाल अहमद के रोल में दिखाई देंगे सिद्धार्थ जाधव जो सब इंस्पेक्टर संतोष तावड़े के रोल में दिखाई देते हैं जिन्होंने कैमियो अपीरेंस किया हुआ फिल्म में संग्राम यानी यानि सिम्बा का जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का उनके साथ ही वो नजर आते मृणाल जैन जिन्होंने राजा हफीज का रोल प्ले किया हुआ है राजेंद्र गुप्ता को नईम खान का रोल दिया गया था असिफ बासरा रफीक सिद्दकी के रोल में दिखाई देते श्रुति पनवार को मफीजा हफीज यानि कि उमर की वाइफ का रोल दिया गया था उदय तिकेत का जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के रोल में दिखाई देते अनिल चर चरण जीती जो आपको आत्मा राम कि बिलाल के नेबर के रोल में दिखाई देंगे अजीत सिंधाए जो मुराद अहमद का रोल प्ले कर रहे हैं आशीष वारंग जिन्होंने आशीष तांबे का रोल प्ले किया हुआ है उमा उमाकांत पाटिल जिन्होंने उमाकांत भिंडे का रोल प्ले किया हुआ है मिनल साहू जिन्होंने हफीस यानी कि मिस हफीस यानी कि रियाज़ के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है साथ ही में सुकन्या धंधा झंडा जिन्होंने जाहिदा उस्मानी यानी कि उस्मानी के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है राजगोपाल अय्यर को मनीष राव का रोल मिला हुआ था अमृतपाल सिंह को अब्बास नईम खान का रोल दिया गया था सोफिया खान जिन्होंने लिली डाइज यानी कि जॉन की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है विधान शर्मा जिनको आर्य सूर्यवंशी यानी कि वीर और रिया के सन के रोल में वो दिखाई देते हैं इसके अलावा अनुवा गुप्ता जिन्होंने स्नेहा के बोस का रोल प्ले किया हुआ है और रिया के कलिक के रोल में दिखाया दिए थे और जिन्होंने स्नेहा बोस के रोल में प्ले काम किया हुआ है रिया के कलिक के रोल में वो दिखाई देते ताभिद रिग जमान जिन्होंने रिया के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है कृष्णा कोटियान जिन्होंने एटीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है अनिल खोपकर जिनको मौलाना का रोल दिया गया था तो इस तरह से फिल्म में जितने भी आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिस उनको सभी नाम के साथ जो बुलाया गया उन सभी चीज़ों की डिटेलिंग के साथ कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है वो सभी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी है उसके बाद अब प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म के डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं तो सूर्यवंशी की अनाउंसमेंट दिसंबर 2018 में जब सिम्बा फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वहीं पे कर दी गई थी और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो अक्षय कुमार में फीचरिंग के दिखाई देता है जो मार्च 2019 में अनवील किया गया था जहां पे अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अनलाइक सूर्यवंशी की कोई एग्जिस्टिंग वर्क इससे पहले कोई कहानी देखने को नहीं मिलती है जैसे कि उनके अभी पहले इस फिल्म की जो सीरीज़ है यानी कि जो कॉप यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का जहाँ पे सिंगम है वो भी रीमेक थी साउथ इंडियन तमिल फिल्म सिंगम की इसके अलावा सिम्बा जो टेम्पर की ऑफिशियल रीमेक थी तो ये फिल्म की कहानी रीमेक होने वाली है नहीं उसके ऊपर डायरेक्टर ने कहा था कि ये फिल्म की कहानी ओरिजिनल है और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो गोवा में दो में स्टार्ट की गई थी फिल्मिंग की बात करें तो फिल्म के काम की शुरुआत 2019 में फरवरी में मुंबई में स्टार्ट किया गया था जहां पे फिल्म का टीजर शूट किया गया था और फिल्म के बाकी की जो शूटिंग है वो बाद में गोवा में और वहाँ पे स्क्रिप्टिंग स्टेज के बाद कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे की गई थी फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो छः मई 2019 को मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मुंबई गोवा हैदराबाद और थाईलैंड में फिल्म की बाकी की शूटिंग को प्लान किया गया था जहाँ पे जून 2019 में फिल्म के टिप टिप बरसा ने गाने को रिक्रिएट किया गया था जो मुंबई में शूट किया गया था जिसको कोरियोग्राफ किया था फराक खान ने और उसके बाद फिल्म को दूसरे शेड्यूल के लिए हैदराबाद में शिफ्ट किया गया था जहाँ फिल्म को एक महीने जितना कुछ एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया गया था और मेजोरिटी पार्ट फिल्म का वहीं पे शूट किया गया है फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल को दिसंबर 2019 में मुंबई में कंप्लीट करवा लिया था सेकंड शेड्यूल ने बैंकॉक में रखा गया था और उसके बाद फिल्म को पूरी तरह से 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में शूटिंग करके कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के कास्टिंग की कास्टिंग किस तरह से की गई थी तो उसके ऊपर डिटेलिंग दू तो सिम्बा के एन क्रेडिट में जिस तरह से अक्षय कुमार को फाइन मेन रोल में आपको दिखाया जाता है तभी पता चलता है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी में लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले जिसका नाम है सूर्यवंशी है और तभी हमें बताया जाता है कॉपी का आइडिया हमारे सामने पेश किया जाता है और बाद में एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट के द्वारा रोहित शेट्टी ने अनाउंस किया हुआ था कि अजय देवगन और साथ ही में अजय देवगन और साथ ही में रणवीर सिंह इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी फिल्म में आपको एक स्पेशल अपीरेंस के रोल में दिखाई देंगे तो इस तरह से फिल्म का एक कॉपी यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे अजय देवगन बाजीराव सिंगम और सिम्बा यानी कि संग्राम भालेराव के रोल में रणवीर सिंह आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो उन दोनों को भी इस तरह से कास्ट किया गया था और उसके बाद जैकलिन फर्नाडीज को इस फिल्म के अक्षय कुमार के अपोजिट लीड कास्ट के रोल में कम कं, कन्फर्म किया जाने वाला ए सीरोमर आई हुई थी लेकिन बाद में मार्च 2019 में कैटरीना केब को फिल्म में एज ए लीड रोल फाइनलाइज किया गया था तो इस तरह फिल्म की मेन कास्टिंग की गई थी रिलीज की बात करें तो फिल्म को पहले ईद के मौके पर 2020 में रिलीज करने वाली थी जिसको 27 मार्च 2020 में बाद में रिश्ड्यूल किया गया था और उसके बाद फरवरी में फ़िल्म को 24 मार्च को रिलीज़ करने का डिसाइड किया गया था लेकिन उसके बाद में कोविड 19 पेंडेमिक के चलते सभी चीज़ें पोस्टपोन हो गई फिल्म के फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि थिएटर लॉक हो चुके थे और उसके बाद जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट में कन्फर्म किया कि ये फिल्म तेरह नवंबर 2020 दिवाली के मौके पर सिनेमा में आएगी लेकिन जिस तरह से थिएटर में जो गाइडलाइंस चलाई जा रही थी और पेंडेमिक का जो एरा था जिस वजह से ऑडियंस उतनी बेहतरीन वे में थिएटर की तरफ नहीं जा रही थी तो फिल्म को फिर से मेकर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है कि फिल्म को पोस्टपोन किया गया है अगली डेट जल्दी अनाउंस कर देंगे उसके बाद अक्टूबर 2020 को फिल्म को फिर से रिलीज डेट पोस्टपोन करते हुए कहा गया है कि ये फिल्म आपको जनवरी 2021 और मार्च 2021 के बीच में देखने को मिलेगी लेकिन फेब्रुवरी 2021 में कुछ सोर्स से कन्फर्म हुआ कि सूर्यवंशी दो अप्रैल दो को आने वाली है और उसके बाद ये रिलीज डेट भी फेल हो चुकी थी और कुछ नाइट कर्फ्यू और कुछ पार्शल लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जो चीज़ अनाउंसमेंट की हुई थी कि थिएटर के रिगार्डिंग किस तरह से क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले तो उस वजह से फिल्म को और डिले किया गया और इसके बाद फिल्म करीबन एक साल से ऊपर डिले होती हुई डिले हो रही थी और उसके बाद में चौदह मार्च दो को फिल्म की रिलीज़ डेट अनाउंस की गई कि यह फिल्म अब फाइनल तीस अप्रैल दो को ही रिलीज़ होगी लेकिन अप्रैल 2021 में फिल्म की रिलीज डेट फिर से एक बार पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि को लोग कोविड केसेस की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका था और महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे सबसे ज़्यादा फिल्मों को फिल्मों के जो कलेक्शन है हासिल होते तो उस वजह से मेन सेक्टर ही बंद होने की वजह से फिल्म को फिर से रीशेड्यूल करना पड़ा और उसके बाद में फिल्म को 5 नंबर 2021 को 2021 की दिवाली के मौके पर फाइनली थिएट्रिकली रिलीज कर दिया गया सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स की बात करें तो जी सिनेमा के पास इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स थे डिजिटल राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने और इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के पैसों में फिल्म को सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को बेचे गया है जहां पे फिल्म को तीस तीन दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ करवा दिया गया है और ओ टी प्लेटफॉर्म पे भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है अगर आपको ये फिल्म ऑफिशियली देखनी हो तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे यह फिल्म आपको अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अदरवाइज सिनेमा पे आने वाले कुछ समय में फिल्म प्रीमियर होने वाले तो वहाँ पे भी ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा ये फिल्म कहीं भी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगी बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सूर्यवंशी ने अपने पहले दिन पर करीबन छब्बीस पॉइंट उनतीस करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था दूसरे दिन तेईस पॉइंट पचासी करोड़ यानी कि तेईस करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन सॉरी ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था थर्ड डे पर छब्बीस करोड़ चौरानवे लाख का टोटल ग्रोस कलेक्शन डोमेस्टिक कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस वजह से उसका जो वीकेंड टोटल होता है वो सतहत्तर करोड़ आठ लाख का क्रिएट हुआ था 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 233 करोड़ और 33 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और और सीरीज में साठ करोड़ चौरासी लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड दो सौ चौरानवे करोड़ सत्रह लाख का इस फिल्म का नेट कलेक्शन आया हुआ था तो करीबन तीन सौ करोड़ के आसपास फिल्म बीस दिसंबर में ही पहुंच गई थी और क्रिटिक्स की बात करते तो इस फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा हुआ था कि ये मास ऑडियंस के लिए बनी फिल्में जो सभी तरह से इस फिल्म के यानी कि इस फ्रेंचाइज के यानी कि जो कॉप यूनिवर्स है उसके फैन है उनको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी तो अगर आपको मास फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो अगर ये फिल्म देखना चाहते हो तो फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आपको फ्री में देखने को मिलेगी अदरवाइज जी सिनेमा के पास टेलीविजन राइट्स है तो ये फिल्म अदर टेवी टी वी देखना चाहते हो तो जी सिनेमा के चैनल पर ही प्रीमियर होने वाली है तो वहाँ पर ये फिल्म देख सकते you तो अगर आप मास फिल्मों के प्रति अट्रैक्टेड हो या कॉपी यूनिवर्स वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म जरूर देख सकते हो ये फिल्म आपको जरूर निराश नहीं करेगी तो बस गायस आज की वीडियो में इतना ही था इस फिल्म के लिए रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी छोटी मोटी अपडेट थी साथ ही में हिंदी वर्जन कहाँ पे ओ टी टी पे देखने को मिलेगा बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्टोरी के ऊपर चर्चा मूवी का रिव्यू ये सभी चीजें मैंने आपको करके दिखा दी है तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल Thank you.